वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूं एक ही वीडियो के अंदर इस एक वीडियो के अंदर डे बाय डे मैंने तमाम लेक्चर आपको डिलीवर करने हैं कि डे वन पे आपने क्या प्रैक्टिस करनी है डे टू में आपने क्या प्रैक्टिस करनी है डे थ्री पे आपने क्या करना है डे फोर पे क्या करना है तो एक ही वीडियो के अंदर तमाम लेक्चर को मैंने ऐड किया हुआ है एम एस वर्ल्ड का ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप अच्छी तरह से एम एस वर्ल्ड को जान सकेंगे और इसमें किसी भी किस्म का एम एस वर्ल्ड में होने वाला काम आप आसानी के साथ कर पाएंगे क्योंकि मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ तमाम ग्रुप्स और तमाम टैब्स को यानी इसके अंदर जितनी भी जो इम्पोर्टेंट कमांड हैं जो वन थाउजेंड प्लस कमांड्स तकरीबन हैं उन सबको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आप एम एस वर्ल्ड के अंदर बड़ी आसानी के साथ कोई भी असाइनमेंट कोई भी प्रोजेक्ट या एम वर्ड को किसी को पढ़ाना चाहते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे इस लेक्चर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग जो किसी इदारे में जाकर बाकायदा नहीं सीख सकते या फी ना होने की वजह से इस कोर्स को मुकम्मल नहीं कर पाते तो ऐसे लोगों के लिए ये मुकम्मल एक कोर्स एक ही वीडियो के अंदर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसको सीखने के बाद आप कहीं पर टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह भी आसानी के साथ दे सकते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए कुछ आप न्यू लर्न कर पाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत से लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप कोई लेटेस्ट वर्जन पढ़ाएं क्योंकि ऑफिस 2016 आप ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं जिसके ऊपर लाखों लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है मिलियन प्लस व्यू आए हैं और आज उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसी कोर्स को डिजाइन करने का प्लान किया कि का ये कोर्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाया जाए ताकि आसानी के साथ डे डे आप इस कोर्स को कवर कर सकें क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि आप पार्ट वन अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो पार्ट टू आपको बाज दफ़ा नजर ही नहीं आता पार्ट टू आप सर्च ही नहीं कर पाते तो एक ही वीडियो के अंदर तमाम लेक्चर्स होंगे जो बड़ी आसानी के साथ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डे बाई डे इनकी प्रैक्टिस करते हुए आप वर्ड पे अबूर हासिल कर सकते हैं इस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे एम एस वर्ड को ओपन करने के बारे में कि एम एस वर्ड को आपने ओपन किस तरह से करना है तो ज़्यादातर हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो डेस्कटॉप से हम शुरू करते हैं कि डेस्कटॉप पे अगर ये आइकन आपका पड़ा हुआ है तो यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड आपका ओपन हो जाएगा और मैं आपको बताता चलूँ जो ये एम एस वर्ड है ये 2021 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल प्लस 2021 थाउजेंड एम एस वर्ड है अब इस तरह से हम डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके भी हम इसको ओपन कर सकते हैं अगर ये डेस्कटॉप पे आपके पास आइकन नहीं है तो की से आपने विंडो आर प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड और विन वर्ड टाइप करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वर्ड आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा तो इस तरह से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं और फिर जैसे वर्ड ओपन होगा तो यहां पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है आप न्यू पे क्लिक करें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें आपको एक नई फाइल मिल जाएगी क्योंकि हम जो भी काम करेंगे तो हमें उसके लिए एक न्यू फाइल चाहिए आपके पास एम एस वर्ड टू ओपन हो चुका है अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यूज़र इंटरफेस के बारे में कि वर्ड के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कौन कौन सी कमांड्स मौजूद हैं कौन कौन सी बार मौजूद हैं और उनका नाम क्या है तो यूज़र इंटरफेस जानना बहुत ज़रूरी होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल बटन्स के बारे में जिसमें आपको ये जो बटन ग्रुप आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर हाइट अनहाइट का है मिनिमाइज़ का है उसके बाद ये हमारे पास रिस्टोर का है और क्लोज़ का है तो इसे कहते हैं कंट्रोल बटन्स और उसके बाद इसे कहते हैं सर्च बार कि आप यहाँ पे क्लिक करके कि किसी भी कमांड को सर्च करवा सकते हैं फर्स्ट कीजिए मुझे यहाँ पे ओपन के बारे में जानना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ओपन की कमांड इसमें आ जाएगी अगर मुझे यहाँ पे सेव के बारे में जानना है तो यहाँ पे सेव की कमांड सारी आ जाएंगी तो ये बार आपको यहाँ पे नई नजर आएगी जो ऑफिस 2016 में नहीं है और उसके बाद इसे कहते हैं टाइटल बार जहाँ पे आपको ब्लू कलर की ये पट्टी सी नज़र आ रही है जिसमें डॉक्यूमेंट वन और उसके बाद आपके पास एम एस वर्ल्ड लिखा हुआ है तो ये हमारे पास टाइटल बार है जहाँ पे आपके पास फाइल का नाम और प्रोग्राम का नेम शो होता है और उसके बाद इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कि जहाँ पे आपके पास वो तमाम कमांड्स मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल आप अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर करते रहते हैं जैसे अंडू करना रीडू करना कट करना कॉपी करना पेस्ट करना या जो भी कमांड आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्विक एक्सेस टू टूल बार के बाद फ़ाइल बटन के बारे में इसे कहते हैं फ़ाइल बटन तो फाइल से रेलिमेंट जितनी भी कमांड्स होती हैं जैसे फाइल बनाना सेव करना ओपन करना क्लोज़ करना प्रिंट करना शेयर करना एक्सपोर्ट करना ये फ़ाइल से रेलिवेंट सारी कमांड्स आपको फाइल बटन में नजर आएंगी फिर उसके बाद इसे कहते हैं टैब्स जैसे हमारे पास होम है हम इसे होम टैब के आएंगे इंसर्ट है इंसर्ट टैप कहेंगे ड्रा टैब डिजाइन टैब लेआउट टैब रेफरेंस टैब मेलिंग टैब रिव्यू टैब व्यू टैब हेल्प टैब इन्हें टैब्स कहते हैं जब भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उस टैब का पूरा एक रिबन ओपन होता है जैसे हमने होम टैब पे क्लिक किया तो इसके नीचे पट्टी जो आपको नजर आ रही है पूरी पट्टी जो आपकी रिबन कहलाती है और रिबन को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया गया है जैसे आप होम टैब पे या इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पेज ग्रुप है टेबल ग्रुप है लिस्टेशन ग्रुप है एडिस्ट ग्रुप है होम पे क्लिक करते हैं तो क्लिप बोर्ड ग्रुप है फाउंड ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप है तो इन्हें ग्रुप्स कहते हैं और ग्रुप के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें ये रूलर्स इन्हें रूलर्स कहते हैं ये हमें बताते हैं कि आपकी तहरीर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है आपको ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसी वाइट एरिया के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा आपका पैराग्राफ लिखा जाता है तो इसे कहते हैं रूलरस और रूलर के बाद ये आपको वाइट एरिया जो नज़र आ रहा है इसे कहते हैं वर्क एरिया जहां पे हमने काम करना है जहां पे हम डाटा राइट करते हैं और इसे कहते हैं स्क्रोल बार इसके जरिए पेज को आप ऊपर नीचे लेके जाते हैं और उसके बाद नीचे इसे कहते हैं स्टेटस बार जहां पे आपको पेजेस की तादाद नज़र आती है वर्ड की तदाद नज़र आती है आपको लैंग्वेज नज़र आती है इसके अलावा जो भी एक्टिविटी हो रही है पेज के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी और साथ में यहाँ पे आप जूम भी सेट कर सकते हैं उसका लेआउट भी सेट कर सकते हैं तो ये था इसका यूज़र इंटरफेस और उसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पे फाइल से कि हमने न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है तो आपने कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने फ़ाइल बटन पे क्लिक करना है फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको एक नई फाइल मिल जाएगी अब उसके बाद हमने इस फाइल को यहाँ पे सेव करना है सेव करने से पहले हम यहाँ पे कोई भी डाटा इसमें राइट करते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं एम एस वर्ड टू फुल कोर्स इन उर्दू हिंदी कर देते हैं और उसके बाद डे वन में हम टाइप कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इसमें यूज़र इंटर के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फ़ाइल बटन के बारे में यानी कोई भी डाटा आप यहाँ पे राइट करें डाटा राइट करने के बाद अब आपने इसको सेव करना है अगर आप इसको सेव नहीं करते यहाँ पे लाइट चली जाती है या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका ये किया काम सारा ज़ाया हो जाएगा तो इस फाइल को आपने सेव कैसे करना है आप फाइल पे आएंगे फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेव एज़ का ये बॉक्स ओपन होता है अब उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है उस फोल्डर में चले जाना है जहां पर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे फाल्का नाम की ड्राइव में इसको सेव करने जा रहा हूं और न्यू फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया एम एस वर्ल्ड फुल कोर्स का और ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक्सपेज का इस्तेमाल करते हैं पैसे लिखे नेम को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पे हम कर लेते हैं डे वन के नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी देखें ऊपर डे वन के नाम से सेव हो चुकी है अब इस फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज़ करने के लिए फ़ाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी ये जो पहले वाली फाइल है ये भी ओपन है इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं अब इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए हमने कहाँ पे जाना है फाइल पे और उसके बाद ओपन पे फिर उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई है यानी फाल्कन ड्राइव में और उसके बाद उस फोल्डर पे क्लिक करें जिस फोल्डर में ये फ़ाइल है और उस फाइल पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो इस तरह से आप फाइल बना भी सकते हैं सेव भी कर सकते हैं क्लोज़ भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेवैस के बारे में कि हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल हमारे पास यहाँ पे ये सेव है हम इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं यानी हम चाहते हैं ये फाइल डे वन के नाम से भी सेव रहे और यही फ़ाइल आपका लेक्चर वन के नाम से या लेक्चर टू के नाम से भी सेव हो जाए तो इस फाइल की कॉपी क्रिएट करने के लिए आपने फ़ाइल पे आना है और सेव एज पे क्लिक करना है सेव और सेव एज में ये फ़र्क होता है कि जो फ़ाइल न्यू बनती है वो हमेशा सेव होती है और जो फाइल पहले से सेव होती है और उसे आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करते हैं आप एज पे आए ब्राउज़ पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको दे दिया फाइल बटन कि मैंने इसको नाम दे दिया फ़ाइल बटन के नाम से हम इसको सेव करें और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे अब ये फ़ाइल डे वन के नाम से भी सेव है और फाइल बटन के नाम से भी सेव है अब जो भी आप चेंजिंग करेंगे वो आपका फाइल बटन में चेंज होगा डे वन में आपका डाटा जो पहले वाला था वही का वही रहेगा जिस तरह से आप इसको एज भी कर सकते हैं फिर फाइल पे आते हैं क्लोज पे क्लिक करते हैं फाइल क्लोज हो जाती है आइंदा जब भी फाइल और ओपन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वही पाथ ओपन होगा जहाँ पे लास्ट टाइम आपकी फाइल सेव हुई है डे वन और फाइल बटन तो देखिए इन दोनों में से किसी भी फाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी वही फाइल ओपन हो जाती है इसका मतलब है कोई भी आकर हमारी फाइल को आसानी के साथ ओपन कर सकता है तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि हम फाइल पे पासवर्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी आकर हमारी फाइल को आसानी के साथ ओपन ना कर सके तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल को ओपन करना है जिस हमारे पास फाइल मैंने ओपन की फाइल बटन वाली इस पर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो फाइल पे आए और सेव एज पे आना है याद रखिएगा अगर आप फाइल को किसी और नाम से सेव से करना चाहते हैं तब भी आप सेव ऐस पे आएंगे अगर आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप सेव एज पे आएंगे और आप ब्राउज पे क्लिक करें और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सेव एज का डायरेक्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने नाम नहीं चेंज करना नाम यही रहे मगर हम इस फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने टूल्स पे आना है फिर उसके बाद आपने जर्नल ऑप्शन पे आना है और जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे पासवर्ड टू ओपन आप दर्ज करें पासवर्ड ओपन में आप नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं अल्फाबेटिक भी टाइप कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं जैसे मैंने वन टू थ्री मैंने टाइप कर लिया फिर मैंने टैप का इस्तेमाल किया या यहाँ पे नीचे क्लिक कर लिया और वन टू थ्री हम टाइप करते हैं और ओके okay पे क्लिक करते हैं कंफर्म पासवर्ड वही टाइप करेंगे वन टू थ्री एंड ओके फिर उसके बाद वन टू थ्री एंड ओके क्लिक करेंगे तो पासवर्ड अप्लाई हो जाता है और पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आपने फाइल को साथ में सेव कर आप पासवर्ड अप्लाई कर चुके हैं पासवर्ड चेक करना चाहते हैं आया कि पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे और इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और फाइल पे आना है फिर उसके बाद हम ओपन पे आएंगे और ब्राउज़ पे आएंगे फिर उसके बाद आपने उसी फाइल को ओपन करना है जिसपे आपने पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है तो आप जैसे ओपन पे क्लिक करते हैं तो फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही अब मैं जानबूझकर पासवर्ड चेंज कर रहा हूं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने लगा दिया हालांकि वन टू थ्री था हमारे पास हम ओके क्लिक करते हैं तो द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त पासवर्ड अप्लाई करेंगे तभी फाइल ओपन होगी वरना फाइल ओपन नहीं होगी तो फिर दोबारा हम ओपन पे आते हैं और उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करते हैं फाइल बटन पे आते हैं ओपन पे आते हैं वन टू थ्री टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं फिर वन टू थ्री टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो फाइल पे पासवर्ड लगाकर पहले उसको ओपन कर ले फिर फाइल पे आना है दोबारा सेवाइस पे आएंगे फिर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपने टूल्स पे आना है और जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पुराना पासवर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके और नया पासवर्ड भी एड कर सकते हैं अगर आप नया पासवर्ड नहीं, नहीं लगाना चाहते तो आपने पासवर्ड को डिलीट करना है ओके क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव कर देना है याद रखिएगा पासवर्ड अप्लाई करने के बाद भी फाइल को सेव करना है पासवर्ड चेंज करने के बाद भी फाइल को सेव करना है और पासवर्ड रिमूव करने के बाद भी फाइल को सेव करना है इसे आप सेव करें और उसके बाद फिर हम इसे क्लोज करते हैं क्लोज करने के बाद हम दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे क्योंकि पासवर्ड हम डिलीट कर चुके हैं और ब्राउज पे क्लिक करेंगे फाइल बटन पे आएंगे ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट निकालने के बारे में कि हम प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं तो प्रिंट की तमाम कमांड्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो प्रिंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डाटा होना चाहिए ये लाइंस मेरे पास कुछ ऑलरेडी पहले से ऐड हैं अगर आप कोई आरजी पैराग्राफ यहां पे ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं इसी फार्मूले को आपने एंटर करना है तो आपके पास एक आरजी पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और आप उसको प्रिंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहां पे टाइप करेंगे रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको एक बना बनाया पैराग्राफ पेज पर मिल जाएगा यह हर वर्ड में होता है हर कंप्यूटर में आपके पास जहां जहां वर्ड है वहां पे ये फॉर्मला आपका काम करेगा अब इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना है फाइल पे आना है और हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये प्रिंट प्रू का बॉक्स ओपन होता है ये वाला ये प्रीव्यू आपको बता रहा है कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद ऐसा प्रिंट होगा टॉप से इतना मार्जिन होगा लेफ़्ट से इतना मार्जिन होगा राइट से इतना मार्जिन होगा बॉटम से इतना मार्जिन होगा आपका और उसके बाद ये कॉपीज़ है हमारे पास कि आपको इस पेज की कितनी कॉपीज़ चाहिए तो नंबर ऑफ कॉपीज़ में आपने कॉपी की तदाद दर्ज करनी जैसे मुझे यहाँ पे थ्री कॉपीज चाहिए और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की तीन कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी फिर इसके बाद प्रिंटर पे आते हैं तो यहाँ से आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा या जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर को आपने यहाँ सेलेक्ट करना है हो सकता है आपके पास एच का प्रिंटर हो कैनन का हो समसंग का हो लेजर जेंट हो इंक जें इंक जेंट हो या उसके बाद आपके पास हो सकता है कोई फोटो कापीर इसके साथ अटैच हो तो जो भी मशीन आपके कंप्यूटर से अटैच है उस प्रिंटर को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि हम उसी प्रिंटर से पेज को प्रिंट कर सकें फिर उसके बाद सेटिंग पे आते हैं और जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट आल पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि ओपन फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे चाहे आपने एक पेज पे काम किया दस पे किया बीस पे किया तो प्रिंट आल पे क्लिक करने से सारे से सारे के सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे और प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करने से क्या होगा सिर्फ आपका वही पेज प्रिंट होगा जिसका प्रिव्यू आप देख रहे हैं जो पेज आपको नजर आ रहा है इसके अलावा कोई भी दूसरा पेज आपका प्रिंट नहीं होगा और प्रिंट कस्टम रेंज में ये होता है कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास दस पेजेस हैं या बीस पेजेस हैं तो आपने यहाँ पे उन पेजेस के नंबर टाइप करने हैं जिन पेजेस को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे पेज नंबर वन टू नहीं बल्कि पेज नंबर थ्री को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं फिर यहाँ पे कॉमा देंगे फिर फोर फाइव नहीं बल्कि हम सिक्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं फिर आप यहाँ पे कॉमा देंगे फिर हम कहते हैं नाइन प्रिंट हो जाए इसमें सेवन एट प्रिंट ही ना हो अब उसके बाद आप नाइन से लेकर ट्वेंटी तक अगर तो बाकी तमाम पेजेस को लगातार प्रिंट करना चाहते हैं कंटिन्यूसली प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डैश के साथ यहाँ पे ट्वेंटी टाइप कर लें तो नौ के बाद जितने भी पेज आपके प्रिंट होंगे वो आपके कंटिन्यूसली प्रिंट होते जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट मार्ड हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट वन साइड पे क्लिक करेंगे तो एक ही साइड प्रिंट होगी और प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे तो पेज की दोनों साइडें प्रिंट होगी यानी एक पे पेज नंबर एक प्रिंट होगा और दूसरी तरफ पेज नंबर टू प्रिंट हो जाएगा फिर इसके बाद क्वालिटेड पे क्लिक करेंगे तो पेजेस आपके तरतीब से आएंगे जैसे कि आप, आपके जो सेट बन रहे हैं वो तीन छः नौ और उसके बाद बीस तक तमाम पेजेस एक सीक्वेंस से एक तरतीब से प्रिंट होते रहेंगे क्वालिटेड पे क्लिक करने से तो सबसे पहले पेज नंबर तीन प्रिंट होगा फिर छः होगा फिर नौ होगा फिर उसके बाद दस फिर उसके बाद ग्यारह बारह और बीस तक लगातार पेज प्रिंट होते जाएंगे तो उसका एक सेट प्रिंट होगा फिर उसका दूसरा सेट और फिर उसके बाद इसका तीसरा सेट यानी सेट के मुताबिक ये सारे पेजेस आपके प्रिंट होंगे अगर हम क्लिक करते हैं अन पे तो इसमें क्या होगा पहले पेज नंबर तीन की तीन कॉपीज हो जाएंगी फिर छः की तीन प्रिंट होंगी फिर नौ की तीन फिर दस की तीन फिर ग्यारह बारह बीस तक तीन तीन पेजेस अलग अलग से प्रिंट होते जाएंगे और आपको सेट खुद से बनाने पड़ेंगे तो सबसे बेहतरीन कमान तो ये कि आप कॉलेट पे क्लिक करें ताकि हर तमाम पेजेस सेट के मुताबिक प्रिंट हो जाएँ फिर हम क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट पे जैसे हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका इस तरह से लंबाई में प्रिंट होगा अगर आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करें पेज आपका चौड़ाई में प्रिंट हो जाएगा उसके, उसके बाद आपने पेपर साइज़ सेलेक्ट करना है कि आप किस पेज पे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं आपके प्रिंटर में अगर लीगल लगा है तो आप लीगल पे प्रिंट करें अगर लेटर है तो लेटर पे प्रिंट करें अगर ए फोर साइज़ है तो आप ए फोर साइज़ पे प्रिंट करें फिर इसके बाद मार्जिन पे आते हैं मार्जिन ज़्यादातर हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल कि चारों तरफ से मार्जिन आपका एक इंच होना चाहिए और यहां पर हमने जो पेज की शीट सेलेक्ट करनी है वो फ़िलहाल वन पेज पर शीट ही सेलेक्ट करनी है और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेटिंग की है इसी सेटिंग के मुताबिक आपके पेजेस प्रिंट ना शुरू हो जाएंगे तो इस तरह से आप आसानी के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोर्ट के बारे में कि अगर इस फाइल की पीडीएफ बनाना चाहते हैं यानी आप चाहते हैं कि इस फाइल को आपने कहीं पे अपलोड करना है या किसी को आपने व्हाट्सअप करना है किसी को आपने ईमेल करना है और आप ये चाहते हैं कि ये फ़ाइल वर्ड फॉर्मेट में नहीं जाए बल्कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में चली जाए ताकि आसानी के साथ इसके अंदर कोई भी चेंजिंग भी ना हो सके तो फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है सबसे पहले आपने उस फाइल को ओपन करना है जिसको आप पी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे हमारे पास ये वाली फाइल है तो इसको पी में कन्वर्ट करने के लिए आपने फ़ाइल पर आना है और आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहां से आपने वो पाथ देना है जहां पे आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं जैसे डेस्कटॉप और यहाँ फाइल बटन के नाम से भी हम इसको सेव करना चाह रहे हैं आप जैसे हम यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी पी में पब्लिश हो जाएगी और आपको नज़र आ रही है ओपन भी हो चुकी है हमारे पास और यहाँ पे आपको पाथ ये नज़र आ रहा है ये पी में कन्वर्ट हो चुकी है अब इस फाइल को ना तो हम डिलीट कर सकते हैं डाटा को ना ही इसके अंदर हम कुछ और राइट कर सकते हैं तो इस तरह से आप फाइल को पी में कन्वर्ट भी आसानी के साथ कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर आप इसको अपलोड करवा सकते हैं तो ये था डे वन का लेक्चर जिसमें आपने डे वन में आपने इतनी कमांड्स की प्रैक्टिस हर हाल में करनी है और डे टू में हम बात करेंगे इसमें होम टैब के बारे में होम टैब में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कट के बारे में कॉपी के बारे में पेस्ट के बारे में फॉर्मेट पेंटर फाउंड फॉर्म ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप तो ये सेकेंड डे में आपने इन कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है साथ साथ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट के बारे में कि किसी भी तहरीर को आप एक जगह से ख़त्म करके अगर आप दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए कट और पेस्ट का यूज़ किया जाता है चाहे आपके पास वो पैराग्राफ हो चाहे कोई शेप हो चाहे क्लिप आर्ट हो चाहे कोई पिक्चर हो तो आप से एक जगह से दूसरी का अगर कट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपने इन कमांड का यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आप उन तमाम डाटा को सिलेक्ट करें चाहे वो पिक्चर है शेप है या उसके बाद पैराग्राफ है तो तहरीक को इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ भी या ऊपर से नीचे की तरफ भी और यहाँ पे आप क्लिक करके आप सिर्फ ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए जैसे ये हमारे पास है वन टू थ्री करेंगे तो ये भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ आप इससे नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको सेलेक्ट करें और जैसे आपसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कट की ऑप्शन ऑन हो जाएगी आपने कट पे क्लिक करना है तो देखिए तहरी हमारे पास यहाँ पे कट हो चुकी है ये तहरी पेज नंबर वन पे लिखी गई थी गलती से पे नंबर वन पे फर्स्ट के आपने लिख दिया और उससे पेज नंबर टू या थ्री पे लिखना चाहते हैं तो आपने एंटर प्रेस करते हुए पेज नंबर टू या उसके बाद पेज नंबर थ्री पे हम आ जाएंगे तो नीचे नज़र आ रहा है कि आप पेज नंबर थ्री पे आ चुके हैं अब जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरी आपकी वन से ख़त्म होकर थ्री पर आ चुकी है तो इसे कहते हैं कट और पेस्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कॉपी करना कि आपने इसको कॉपी कैसे करना है मैं इस तहरीर को अंडू कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके ताकि दोबारा पेज नंबर वन पे हम जा सकें अब देखिए हमारे पास डाटा पेज नंबर वन पे आ चुका है अब हम ये चाहते हैं अभी डाटा हमारे पास पेज नंबर वन पे आ चुका है अब हम ये चाहते हैं कि इस तहरीर को हम कॉपी करना चाहते हैं ये तहरीर पेज नंबर वन पर भी रहे और यही तहरीर आपकी पेज नंबर टू या थ्री पर भी आ जाए या किसी और पेज पर या किसी और डॉक्यूमेंट पर भी आ जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले वही तरीकाकार कि आपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे डाटा को अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉपी नहीं होगा तो आपने इसको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद फिर हम एंटर प्रेस करते हैं पेज नंबर टू पे आते हैं ये डाटा देखें ऊपर भी हमारे पास है और उसके बाद जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं ये डाटा नीचे भी आ चुका है अब जब तक आप दूसरी तारीख को कट या कॉपी नहीं करते तब तक आप इसे बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें और जहां चाहें वर्ड में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं तो इसे कहते हैं कॉपी और पेस्ट फिर इसको नेक्स्ट कमाण्ड में ने पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में बल्कि इसमें एक और कमांड हम डिस्कस करेंगे पे स्पेशल कि पे स्पेशल का आपने यूज़ किस तरह से करना है जैसे मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ मैंने कंट्रोल ए किया और डिलीट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हमने उसी तहरीक को दोबारा एक बार पेस्ट कर लेते हैं अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ मेरे पास है इस पैराग्राफ को मैंने एक स्पेशल फॉर्मेट में इसको पेस्ट करना है तस्वीरी शक्ल में मैंने इसको पेस्ट करना है ताकि अगर मैं वर्ड की फाइल किसी को देना भी चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये तहरीर जैसी है वैसी की वैसी रहे इसके अंदर चेंजिंग ना हो तो उसके लिए हमने क्या करना है इस डाटा को यहां पर सिलेक्ट करना है और किसी और को देने के लिए इसे हम कॉपी करेंगे फिर उसके बाद एक न्यू फाइल बनाएँ अगर आप किसी को यू में इसको कॉपी करके देना चाह रहे हैं तो न्यू फाइल बनाने के बाद आपने पेस्ट नीचे एरो आपको नजर आ रहा है इस एरो पे क्लिक करें पे स्पेशल पे आ जाएं और पिक्चर मेटा फाइल पे क्लिक करें और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये तस्वीरी शक्ल में आपके पास सेव हो जाएगी अब इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकती अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा पूरे का पूरा पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा मगर एक अद लाइन या एक अद वर्ड डिलीट नहीं होगा तो इस तरह से आप पे स्पेशल भी कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम इसको डिलीट करें जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर लिया एम एस वर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और फिर मैं नीचे मैंने टाइप कर लिया फाइल बटन और अब हमने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग की कि मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया तो इसमें हम पढ़ेंगे बोल्ड करना अटैलिक करना अंडरलाइन करना या उसके बाद यहाँ से हमने कोई भी इसमें कलर दे दिया ये वाला कलर दे दिया और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसका फाउंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाला कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ से हम पॉइंट में इसका फाउंट भी बढ़ा सकते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके फाउंड को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेंटेंस केस भी कर सकते हैं यहाँ पे लोअर केस भी कर सकते हैं बल्कि आपके पास ये फाउंड चेंज है तो नीचे वाली तहरीक को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको सेंटेंस केस कर सकते हैं यहाँ से आप इसे लोअर केस कर सकते हैं तमाम लेटर छोटे हो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करके अपर केस करेंगे तो तमाम करैक्टर बड़े हो जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे हो जाएंगे अगर आप डूगल के इस पर क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा और बाकी सारे बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अब ये देखिए हमने फॉर्मेटिंग तो कर ली यानी ये वाला जो स्टाइल है एम एस वर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का यही स्टाइल हमें यहाँ पे नीचे भी चाहिए यानी हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास कलर है या फाउंड स्टाइल है फाउंड साइज़ है जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है ये फॉर्मेटिंग नीचे हम फाइल बटन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है और उसके बाद आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए वही स्टाइल आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है आपको दोबारा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद जब भी आप यहाँ पे कोई भी दूसरा डाटा आप यहाँ पे राइट करेंगे जैसे मैंने दरमियान में यहाँ पे लिख दिया फर्ज कीजिए कि मैंने लिख दिया फाल्टन कंप्यूटर अकेडमी अब यही स्टाइल फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी अप्लाई करना है तो इसको सेलेक्ट करें फॉर्मेट पेंटर पे आ जाएँ और इसको इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है तो देखिए वही सेम फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है अगर आपके पास एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट आप कंपोज कर रहे हैं उसमें बार बार आपको हेडिंग देने की जरूरत पड़ती है तो इससे बेहतर हेडिंग पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और उसके बाद अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने इस डाटा को यहां पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहां पे क्लिक करेंगे इसमें क्लियर फॉर्मेट्स पे और जैसे हम क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी और डाटा जैसे पहले था वैसे का वैसा हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें पैराग्राफ के बारे में कि आपने पैराग्राफ पे बुलेट से नंबरिंग आपने कैसे अप्लाई करना है अलाइनमेंट आप कैसे अप्लाई करेंगे शॉट वगैरह या शेडिंग आप किस तरह से देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई डाटा राइट कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की या इसी फाइल के ऊपर हम इस डाटा को रिमूव करके राइट कर रहे हैं मैंने फाइल बटन के बारे में यहाँ पर लिखा और फिर मैंने न्यू सेव क्लोज़ ओपन सेव एज और पासवर्ड और उसके बाद पी डी एफ़ ये हमने कमांड्स पढ़ी हैं अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कमांड्स हैं इनके ऊपर हम बुलेट सप्लाई करना चाहते हैं हेडिंग के ऊपर नहीं कमांड्स के ऊपर बुलेट सप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से डाटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर इसमें आएंगे होम टैब पे क्लिक करना है फिर उसके बाद इस जगह पे हमने आना है तो यहां पे हमने बुलेट सप्लाई करना है अब देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखिए नेक्स्ट बुलेट्स को बखुदा आ रहा है और जैसे डबल एंटर करेंगे तो बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और आपने नॉन पे क्लिक करना है आपके बुलेट्स यहाँ से, से रिमूव भी हो जाएंगे और उसके बाद अगर आप नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपके बाद देखिए ये वन टू थ्री है या उसके बाद ब्रैकेट्स में है या अल्फाबेटिक में है या रोमन में है आप कोई भी नंबर भी यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाले नंबर अप्लाई कर दिए और जैसे एंट्र करते जाएंगे तो नंबर आपके आना शुरू हो जाएंगे इस तरह से और जैसे डबल एंटर करेंगे तो बुलेट्स आना या नंबर आना खत्म हो जाते हैं अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम इस जगह पे आएंगे और आपने नॉन पे क्लिक करने आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल लिस्ट जैसे फ़र्स्ट कीजिए कि मैं इसको यहाँ पर पहले डिलीट कर लेता हूँ सेलेक्ट करें और डिलीट करें जैसे फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर हमने एक टाइटल दे दिया टाइटल हमारे पास है एम वर्ड का तो एम वर्ड के ऊपर हमने बुलेट्स अप्लाई करने फिर उसके बाद सब हैडिंग है हमारे पास वो कौन सी हमारे पास की फाइल बटन है होम टैब है इंसर्ट टैब है या बाकी उसके ग्रुप्स है तो जस्ट मैंने टाइप कर लिया एम एस वर्ल्ड और एंट्रेस करते हैं अब देखें जैसे एम एस वर्ड टाइप किया मैंने और यहाँ से हमने मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जैसे मैं ये वाली लिस्ट इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ एम एस वर्ड हमारे पास टाइटल हो गया एंटर प्रेस करते हैं फिर आपने टैब का कर इस्तेमाल करना है तो इसमें देखिए आपके पास भी इसमें आ रहे हैं तो इसमें हमने क्या पढ़ा था फाइल बटन के बारे में पढ़ा था फिर एंटर करते हैं टैब का इस्तेमाल करते हैं तो फाइल बटन में क्या पढ़ा हमने यहाँ पे न्यू फाइल बनाना न्यू फाइल बनाना सेव करना क्लोज करना और ओपन करना और सेव एज करना तो इस तरह देखिए हम यहाँ पे मज़ीद उसकी सब हेडिंग भी बना सकते हैं अब आप एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आप अगर बैक पे आना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने टैब का कर यूज़ करना है आप बैक पे आ जाएंगे अगर आपने फॉरवर्ड आगे जाना है आगे की तरफ आपने जाना है तो आपने टैब का कर इस्तेमाल करना है तो हम आगे भी यहाँ पे जा सकते हैं शिफ्ट टैब के जरिए आप पीछे की तरफ आएंगे और टैब का कर इस्तेमाल करके आप आगे की तरफ चले जाएंगे तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट यानी आप एक से ज़्यादा नंबर से बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें या तो इसे क्लियर फॉर्मेट कर लें या फिर इसे आप कर लेंगे यहाँ पे नो बुलेट्स उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंडेंट के बारे में कि आपने कुछ डाटा आपने आगे की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम इस तहरीक को सिलेक्ट करते हैं और इंटेंट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट किया हुआ डाटा आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी लेके आ सकते हैं और ये हमारे पास डायरेक्शन होती है कि अगर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज टाइप करनी है जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है जैसे आप देखिए इंग्लिश हमारे पास है तो डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट वाली है अगर आप उर्दू लिखेंगे या कोई ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी अब आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पे राइट होगा राइट टू लेफ़्ट की तरफ जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया बोल्ड करना अटैलिक करना या अंडरलाइन वगैरह करना तो ये देखिए आपका लिखा जा रहा है यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट की तरफ और अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर लें फिर इस पर नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है शॉर्ट के डाटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं चाहे नंबर्स हैं चाहे डेट्स हैं चाहे आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको अगर आप तरतीब देना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं जैसे फर्श कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे मैंने यहाँ लिखा ज़ाहिद, ज़िशान माजिद राशिद काशिफ जावेद असद अनिल मोहन और उसके बाद यहाँ पे क्या लेते हैं दीपक और उसके बाद यहाँ पे क्या लेते हैं चांद ये कुछ मैंने नाम यहाँ पे राइट किए और मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे ए वाले नाम है फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बी वाले नेम है और इस तरह से हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद आपने शॉर्ट पे आना है शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए शॉर्ट बाय पैराग्राफ उसके बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट नंबर या डेट हमारे पास टेक्स्ट है ये असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो तरतीब आपकी ए टू जी की तरफ आ जाएगी और अगर आप शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं तो तरतीब आपकी जी टू ए की तरफ आ जाएगी तो इस तरह से आप यहाँ पे डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इसमें शो एंड हाइट के बारे में कि अगर आप हिडन फॉर्मेटिंग को शो करवाना चाहते हैं कंट्रोल ए करते हैं और इस डाटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ कि अगर आप हिडन हिडन फॉर्मेटिंग को यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे शो एंड हाइट पे क्लिक करना है जैसे फ़र्ज कीजिए कि आपके पास कोई भी परफॉर्मर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया और आप ये जानना चाहते हैं कि इस परफार्मर को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है किस जगह टैप का यूज़ हुआ है किस जगह एंटर का यूज़ हुआ है किस जगह स्पेस का यूज़ हुआ है तो उसके लिए आपने इस कमांड पे क्लिक करना है जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम और एक बार टैब का इस्तेमाल किया फिर इसको मैंने क्लास टाइप किया फिर मैंने दो बार पर टैब का इस्तेमाल किया फिर मैंने रोल नंबर टाइप किया फिर मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी फिर मैंने यहाँ पे टोटल टाइप किया फिर मैंने टैब का इस्तेमाल कर लिया अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस जगह टैब का यूज़ हुआ किस जगह एंट्री का यूज़ हुआ किस जगह स्पेस का यूज़ हुआ और कितनी बार हुआ तो आपने शो एंड हाइट पर क्लिक करना है तो कंप्यूटर आपको बता रहा है कि यहाँ पर जहाँ एरो आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पर टैब का यूज़ हुआ है एक बार दो बार या तीन बार जितनी बार भी है और उसके बाद जहां पे डॉट नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पेस का यूज हुआ है और जहां पे शो एंड हाइड का आइकन नजर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे एंटर का यूज हुआ है इतनी बार एंटर किया गया है तो ये प्रिंट नहीं होंगे ये सिर्फ आपके पास शो होंगे आप इनको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से शो भी करवा सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के पैराग्राफ की अलाइनमेंट को आपने किस तरह से सेट करना है मैं इस डाटा को कंट्रोल ए करके यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फर्स्ट कीजिए जे के फाल कंप्यूटर अकेडमी तो ये इंग्लिश हम लिख देते हैं तो इंग्लिश की डायरेक्शन हम लेफ्ट की तरफ देंगे अगर आपके पास कोई हेडिंग है चाहे उर्दू की है चाहे इंग्लिश की है चाहे फारसी की है अरबी की है हिंदी की है तो यहाँ पर इसको सेंटर में रखना है अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं ऐसी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं जो राइट टू लेफ्ट की तरफ तो लिखी जाए तो आपने यहाँ पे राइट right वाली यहाँ पे डायरेक्शन देनी है अगर आपके पास पैराग्राफ है फर्स्ट की है, मैंने यहाँ एक पैराग्राफ इंसर्ट किया इज इक्वल टू रैन टाइप किया ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ है अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइनों का जितने भी हमारे पास सीक्वेंस है वो इक्वल है और यहाँ पे कुछ लाइनें बड़ी हैं तो कुछ है छोटी हैं तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाई करना आपने जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो ये देखिए इस तरह से भी पैराग्राफ आपके बराबर हो जाएंगे और अगर आप पैराग्राफ में स्पेसिंग देना चाहते हैं जैसे देखिए वन पॉइंट फाइव में लाइन स्पेसिंग दी टू पॉइंट जीरो दी टू पॉइंट फाइव दी थ्री पॉइंट जीरो दी तो आप इस तरह से लाइन स्पेसिंग भी दे सकते हैं यहां से आप लाइन स्पेसिंग को कम भी कर सकते हैं और यहां से लाइन स्पेसिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है शेड अप्लाई करना कि अगर आपने कोई शेडिंग अप्लाई करनी है जैसे मैं यहां पे एंटर प्रेस कर रहा हूं और मैंने यहां पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पे इसको सेंटर में लेके आते हैं तो शेडिंग के लिए हम यहां पे क्लिक करते हैं शेड अप्लाई करते हैं और यहां पर इसका साइज हम ट्वेंटी सिक्स कर देते हैं तो इस तरह से हम शेड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आपसे क्लियर फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप उसको नो कलर भी कर सकते हैं अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें बॉटम बॉर्डर तो बॉटम की तरफ बॉर्डर आ जाएगा अगर आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप की तरफ बॉर्डर आ जाएगा अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर कर लें अगर आपने यहाँ पे राइट और उसके बाद यहाँ लेफ़्ट और राइट की तरफ अगर आपने बॉर्डर अप्लाई करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं तो इसमें ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें आप मिड बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर तो इस तरह से आप पैराग्राफ की कमांड्स को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं तो ये था हमारा डे टू जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में फाउंड के और उसके बाद पैराग्राफ की कमांड के बारे में आपने इन कमांड को अच्छी तरह से रिपीट करना है और डे थ्री में हम पढ़ेंगे इसमें स्टाइल ग्रुप के बारे में और एडिंग ग्रुप के बारे में तो स्टाइल का आपने यूज़ किस तरह से करना है सबसे पहले हम एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि इन कमांड्स को हम आसानी के साथ अप्लाई कर सकें तो न्यू फाइल हमें क्रिएट करते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम इसमें हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि आपने हेडिंग किस तरह से क्रिएट करनी है और टाइटल क्या है हेडिंग वन क्या है हेडिंग टू क्या है हेडिंग थ्री क्या है हम ये पहले अप्लाई कर लेते हैं जैसे कि फ़र्श कीजिए कि मेरे जो इदारे का नाम है वो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी है और ये टाइटल है और टाइटल एक बार ही आता है तो टाइटल भी हम यहाँ पे देंगे और उसके बाद हमारा जो कोर्स है इसका नाम क्या है ऑफिस मैनेजमेंट या एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और जिसके अंदर हम यहाँ पढ़ें यूज़र इंटरफेस और यूज़र इंटरफेस के अंदर जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे तो आपने क्या करना है अगर टाइटल देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करें और टाइटल पर क्लिक करें टाइटल आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा अगर आपके पास हेडिंग्स हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें हेडिंग वन आपने अप्लाई करनी है तो आपके पास हेडिंग भी अप्लाई हो जाएगी और बाकी अगर आपके पास हेडिंग टू है तो हेडिंग टू भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वरना आप इसे नॉर्मल रखें अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप हेडिंग को ब्राउज करना चाहते हैं या आपके पास दो तीन सौ चार सौ पेजेज हैं और आपने इस तरह से यहाँ पे हेडिंग वन या हेडिंग है, टू अप्लाई की हुई है तो आसानी के साथ इन हेडिंग्स को आप फाइंड भी कर सकते हैं और एक ही क्लिक से तमाम हेडिंग्स को आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने ये हेडिंग अप्लाई की अब आपने लास्ट में क्लिक किया लास्ट में क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं यहाँ पे ब्रेक देने के लिए अब जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था वो था हमारे पास होम टैब या हमने इसमें बात की थी फर्स्ट चैप्टर में जो तो पढ़ा था फाइल बटन फाइल बटन और इसमें हमने पढ़ा था न्यू फाइल बनाना सेव करना क्लोज करना और ओपन करना और सेव एज करना अब ये हमारे पास फाइल बटन एक हैडिंग है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हैडिंग वन अप्लाई कर लेते हैं फिर लास्ट में क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे फिर हमने टाइप किया यहाँ पे होम टैब तो होम टैब में हमने जो पढ़ा आज वो क्या पढ़ा था कि हमने होम टैब में पढ़ा था इसमें कट के बारे में कॉपी के बारे में पेस्ट के बारे में और फॉर्मेट पेंटर के बारे में तो आपने इस डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हैडिंग वन कर लें आपके पास यहाँ पे तीन हेडिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं स्क्रोलिंग करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं और आप हम तमाम हेडिंग्स को एक साथ देखना चाहते हैं तो हेडिंग को एक साथ देखने के लिए आपने फाइंड पे क्लिक करना है जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे नेविगेशन का एक पैनल ओपन होगा यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हेडिंग्स आपने बनाई वो यहाँ पे शो हो रही हैं जैसे एम एस वर्ल्ड फाइल बटन और होम टैग तो बड़ी आसानी के साथ आप ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी हेडिंग पर आप जा सकते हैं और ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये टाइटल की निशानदारी जंप टू द बिगनिंग आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे यानी कि आप टाइटल पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप टाइटल पे जा सकते हैं यहाँ से क्लिक करके आप हेडिंग्स पे जा सकते हैं तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप हेडिंग अप्लाई करके किसी भी हेडिंग पर जा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें फाइंड के बारे में अच्छा इसमें अगर आप तमाम हेडिंग्स को रिमूव करना चाहते हैं या नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपने तमाम हेडिंग्स को आपने एक साथ सेलेक्ट करना है तो एक साथ सेलेक्ट करने की जो शॉर्ट की हमारे पास है वो कंट्रोल ए है या फिर आप सेलेक्ट पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल भी इसे कर सकते हैं और उस पर जैसे हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपका नॉर्मल हो जाएगा जितनी भी हेडिंग और टाइटल्स आपने अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे अगर आप इसके दरमियान में स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करना है और नो स्पेस पे क्लिक करेंगे तो दरमियान में जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो भी सारी यहां से रिमूव हो जाएगी तो इस तरह से आप यहां पे इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं और स्पेसिंग भी रिमूव कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फ़ाइंड के बारे में कि हमने यहां पर किसी वर्ड को फाइंड करना है किसी वर्ड को ढूंढना है जैसे मैं इस डाटा को यहां से डिलीट कर लेता हूँ ए प्रेस करते हैं उसको हम डिलीट कर लेते हैं और अब यहां पे हम कुछ भी टाइप करते हैं जैसे मैंने यहां टाइप किया आवर सिटी नेम इज़ लाहौर अब लाहौर नहीं है हमारी सिटी का नेम हमारे सिटी नेम क्या है फर्स्ट किया मुल्तान है खानपुर है रहम्यार ख़ान है तो हम यहां पे लाहौर की बजाय यहां पे रहम्यार खान लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे फाइंड पे क्लिक करते हैं फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पर सिटी का नेम वो फाइंड करना है जो गलती से आपने यहां पर लिखा हुआ है तो जैसे मैंने यहां पर टाइप किया लाहौर तो देखिए लाहौर जहां भी लिखा होगा वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है और इसे रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस पे क्लिक करें और रिप्लेस विद पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रहीम यार खान और जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक जगह तब्दीली होगी रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम जगहों से चेंज हो जाएगा तो रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका लाहौर की बजाय यहाँ पर रहम्यार खान लिखा गया अब इसका बेनिफिट एक ये है कि अगर आपने काफ़ी जगहों पे मतलब आपके बाद चार पाँच दस बीस तीस पेजेस है और बहुत से पेजेस पे आपने किसी एक वर्ड को आपने गलती से बार बार राइट किया हुआ है और बाद में पता चलता है कि उस वर्ड को वो वाला वर्ड नहीं राइट करना था बल्कि उसकी जगह कुछ और राइट करना था तो अगर हमें इस तरह से कुछ चेंजिंग करनी पड़ जाए तो बार बार हमें हर पेज पर पे जाना पड़ेगा हमें रीड करना पड़ेगा फिर उस डायरी को डिलीट करना पड़ेगा फिर उसके बाद हमें वहां पर कुछ राइट करना पड़ेगा तो इसका बेहतरीन हल है फाइंड और रिप्लेस अब इन्हीं कमांड को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फर्स्ट की मैंने लाहौर लिखा एफ फोर प्रेस कर लें इसको रिपीट कर लें ताकि बार बार रिपीट हो जाए अब जितनी बार लाहौर लिखा जा चुके हम चाहते हैं कि इतनी बार यहाँ पे आपका शहर भी यहाँ पे लिखा जाए जो गलती से आपने किसी और शहर का नेम लिखा हुआ है तो फाइंड पे आते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं लाहौर और जैसे मैंने लाहौर टाइप किया तो लाहौर जितनी भी जगहों पे लिखा होगा इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं जी तब देखिए लाहौर आपके पास यहाँ पे रिजल्ट वन ऑफ फोर्टी वन फोटी सिक्स एक सौ छियालीस जगहों पे आपके एक ही पेज के ऊपर जो है यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है तो यहाँ पे रहमर ख़ान लिखना चाहते हैं या मुल्तान लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद रिप्लेस विद में हमने यहाँ पे लाहौर को फाइंड किया हुआ था और यहाँ पे अपनी सिटी का नेम हम लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रहमर खान और उसके बाद जैसे रिप्लेस आल पे क्लिक करते हैं जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि 146 रिप्लेसमेंट 140 जगहों पे लाहौर की बजाय यहाँ पे रहमेर खान लिखा जा चुका है तो चंद एक सेकेंड्स के अंदर आप इस काम को सरंजाम दे सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है गो टू कि आपने गो टू का यूज़ कैसे करना है जैसे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पेजेस हैं वो एक है और हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करके कुछ पेजेस बना लेते हैं जैसे पेज नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स हम एंटर करते जा रहे हैं हमारे तो पास देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए मैंने यहां पे टोटल पेजेस फोर्टी वन बना लिए अब मुझे पेज नंबर थर्टी फाइव पर जाना पड़ रहा है या पेज नंबर थर्टी पे जाना पड़ रहा है या फाइव पे जाना पड़ रहा है तो मैं फाइंड पे आऊंगा और उसको मैंने गो टू पे क्लिक करना है तो गो टू वर्ट में आपने पेज को सेलेक्ट करना है या सेक्शन है तो सेक्शन को सिलेक्ट करें लाइन है तो लाइन को सिलेक्ट करें तो पेज पे क्लिक करते हैं पेज नंबर हम सेवनटीन पे आना चाहते हैं और जैसे हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास अभी पेजेस फोर्टी वन है फोर्टी वन से हम सेवनटीन पे जाना चाहते हैं और जैसे हम गो टू पे क्लिक करें तो आप पे नंबर यहाँ पे सेवनटीन पे पहुंच जाएंगे इस तरह पे नंबर फाइव पे जाना चाहते हैं गो टू पे क्लिक करें पे नंबर फ़ाइव पे पहुंच जाएंगे और अगर आप पे नंबर यहाँ पे नाइन पे जाना चाहते हैं तो आप नाइन पे भी जा सकते हैं फोर्टी पे जाना चाहते तो फोर्टी भी जा सकते हैं फोर्टी वन तक जा सकते हैं मगर आगे फोर्टी टू या फोर्टी टू से के बाद किसी पेज पे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल पेजेस हमारे पास यहाँ पे फोर्टी वन है तो इस तरह से आप गोटू का यूज़ भी कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सेलेक्ट ऑल कि अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डाटा होगा जितने भी पेजेस होंगे जितने भी पिक्चर्स होंगे जितना कुछ पड़ा होगा फाइल के ऊपर पेज के ऊपर उनको आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं उनको डिलीट भी, भी कर सकते हैं और उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें इंसर्ट टैब के बारे में इंसर्ट टैब में हम पढ़ेंगे पेज ग्रुप के बारे में और उसमें जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो कवर पेज आ रही है कि कवर पेज आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ताकि कवर पेज हम वहां पे डिज़ाइन कर सकें तो इसके लिए आपने इंसर्ट टैब पे आए कवर पेज पे आए जैसे हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बने बनाए कवर पेज पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे तो इनमें से किसी भी एक कवर पेज पे आप क्लिक करें तो वही कवर पेज पेज पर इंसर्ट हो जाएगा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहां से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेज पर टाइटल देना चाहते हैं तो हम टाइटल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने अपना टाइटल दर्ज करना है जैसे हमारा जो टाइटल है वो एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फुल कोर्स कर लेते हैं फिर इसके बाद यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे या स्क्रोल पे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम आप टाइप करेंगे नीचे की तरफ आए यहाँ पे क्लिक करते हैं कंपनी का नेम हम टाइप करें जैसे मेरी कंपनी का नेम हमारे पास इसमें आ रहा है वो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी इसमें आ रहा है फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं सॉरी uh, यहाँ पे ऑथर uh, नेम uh, हमें देना है जैसे ऑथर नेम मैं अपना यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ केवल वीजे और कंपनी नेम टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और ये डेट मेरे पास आ गई तो इस तरह से यहाँ पे हम अपना टाइटल भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम और ये बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो जूमआउट करते हैं इस तरह से आपके पेज डिज़ाइन हो जाएगा अगर ये कोर पेज आपको अच्छा नहीं लगा आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है कवर पेज पे आएंगे और दोबारा यहाँ पे आकर हमने जैसे क्लिक करेंगे दूसरे पेज के ऊपर देखेंगे कवर पेज आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा कवर पेज में फिर आप क्लिक करते हैं कवर पेज पे क्लिक करके आप और नया कवर पेज भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है ब्लैंक पेज कि आपने एक खाली पेज लेना है जैसे कि आपको यहाँ पर पे ये यह पेज नजर आ रहा है ये फर्स्ट पेज है उसके बाद ये सेकेंड पेज हमारे पास और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है अब जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खाली मिल जाएगा तो आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो यहां पर देखें आपके पास ये पेज आपको ये खाली मिल चुका है तो ये हमारे पास कवर पेज हो गया ये खाली पेज हो गया और अभी आप थर्ड पेज पर मौजूद हैं इस तरह हम इसका जूम बड़ा कर लेते हैं और उसके मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट किया जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया फर्स्ट कीजिए कि मैंने फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी टाइप करके मैंने एफ़ प्रेस कर लिया बार बार मैंने इसको रिपीट कर लिया अकेडमी को अब उसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पर इसको ब्रेक देनी है मैं यहाँ पे जंप करना चाहता हूँ यहीं से हम आगे नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो आपने पेज ब्रेक पे आना है और जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वहीं से पैराग्राफ के नीचे से आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे तो ये था डे थ्री का लेक्चर जिसमें आपने पढ़ा होम टैब में स्टाइल के बारे में फाइंड रिप्लेस एंड ऑल के बारे में और इंसर्ट में आपने पढ़ा पेज ग्रुप के बारे में जिसमें कवर पेज डिज़ाइन करना ब्लैंक पेज बनाना और पेज ब्रेक देना और डे फोर में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की कमांड टेबल ग्रुप के बारे में कि हमने टेबल किस तरह से पेज पर इंसर्ट करना है तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल ग्रुप में आपने टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपके पास ये पैटर्न बना हुआ है अब आपके पास जो ये जो लाइन्स आ रही है ऊपर जो फर्स्ट रो के अंदर आपको नज़र आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये सारे कॉलम्स हैं टेन बाय वन का मतलब ये हुआ कि टेन आपके पास कॉलम्स है और वन रो है इस तरह से आपके पास टेन बाय टू का मतलब ये हुआ कि टेन कॉलम्स है और टू रोज हैं इस तरह से हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल के अंदर हम कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं नेम टैप का कर इस्तेमाल करते हैं क्लास टैप का कर इस्तेमाल करते हैं रोल नंबर टैप का कर इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट और टैप का इस्तेमाल करके मार्क्स कर सकते हैं तो टैब का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करके आप प्रीवियस कॉलम में भी आ सकते हैं तो इस तरह से आप बना बनाया अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं और अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास यहां पे आपको जरूरत है कि आप यहां पे टेन बाय एट का टेबल नहीं क्रिएट करना चाहते बल्कि इससे आप बड़ा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं यहां पे तो आप ज्यादा दस कॉलम और आठ रो इंसर्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं कर सकते फ़र्स्ट कीजिए आपको पंद्रह कॉलम और बीस रोज चाहिए तो उसके लिए आपने इंसर्ट टेबल पे आना है जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल का ये बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स के बॉक्स में आपने यहाँ पे कॉलम की तादाद दर्ज करनी है जैसे फर्स्ट कीजिए मुझे यहाँ पर फिफ्टीन कॉलम्स चाहिए और यहाँ मुझे चाहिए ट्वेंटी रोज़ और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी का मुझे यहाँ पर एक टेबल मिल जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्वार पस में आ रही है कि इंसर्ट पे आना है टेबल पे आना है और हम बात करेंगे ड्रॉ टेबल के बारे में कि अगर हम खुद से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं यानी उसमें कुछ कॉलम बड़े लेना चाहते हैं कुछ छोटे लेना चाहते हैं कुछ रोज़ की हाइट हम कम रखना चाहते हैं कुछ की बढ़ाना चाहते हैं तो आपने ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है तो आपको एक पेंसिल मिल जाएगी और यहाँ पे क्लिक करते हुए पेज के ऊपर आप टेबल ख़ुद से भी ड्रा कर सकते हैं जैसे देखिए हमारे पास ये कॉलम वन है ये कॉलम टू है ये कॉलम थ्री है ये कॉलम फोर है ये कॉलम फाइव है ये कॉलम सिक्स है इस तरह से ये रो वन है हमारे पास और इस तरह से रो ये टू है हमारे पास तो रोज की तादाद देखें हम यहां पे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं तो दरमियान में अगर कहीं पे हमें सेल चाहिए तो अपनी मर्जी के दरम्यान में भी हम सेल यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं ड्रा टेबल की मदद मतलब से उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहां पे हमारे पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कि आप तहरीर को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तहरीर को टेबल में कन्वर्ट करने के दो तरीका कार है एक तो ये कि आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट करना है जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम उसमें आपने टैब का कर इस्तेमाल करना है सिर्फ एक बार एक बार आपने टैब का इस्तेमाल किया फिर आपने क्लास टाइप किया फिर टैब का इस्तेमाल किया रोल नंबर लिखा फिर टैब का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट लिखा फिर टैब का इस्तेमाल किया मार्क्स लिखा फिर टैब का इस्तेमाल किया एंड टोटल लिख दिया अभी डाटा आपके पास लिखा हुआ है इस तहरीक को आपने टेबल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद आपने टेबल पे आना है फिर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जैसे हम कन्वर्ट टेक्स टू टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कन्वर्ट टू टेबल का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलम जितनी मतो आपने टैब का यूज किया है तो आपके कॉलम उतने ही बनेंगे और रो यहाँ पे आपको नजर आ रही है जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहां पे टेबल क्रिएट हो चुका है अब आखिर में क्लिक करके आप टैब का इस्तेमाल करते हुए मजीद इसमें रोज का इजाफा भी कर सकते हैं टैब का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको रोज मिलती जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेबल और एक्सेल स्प्रेड शीट के बारे में कि आप अपने वर्ड को अगर एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल का, का काम करना चाहते हैं एक्सेल की शीट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं या कुछ फार्मूलाज पे काम करना चाहते हैं तो आपने एक्सेल स्प्रेड शीट पर क्लिक करना है तो खाली जी पे नीचे क्लिक करेंगे टेबल पे आना है एक्सेल स्प्रेड शीट पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल स्प्रेड शीट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा तो अब आप आपके पास जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे एक्सेल की आ रही हैं आप जो भी काम करना चाहें एक्सेल का जितना भी काम है जितने भी फॉर्मलाज है वो यहाँ पे आप आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं अब बाहर क्लिक करेंगे तो वर्ड में आ जाएंगे और जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल दोबारा एक्टिव हो जाएगा ये वर्ड हो जाएगा और ये एक्सेल हो जाएगा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो बाहर की तरफ क्लिक करें और इसकी आउटलाइन भी आप यहाँ पे क्लिक करें इसको आप आसानी के साथ डिलीट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे इसमें क्विक टेबल के बारे में कि आप बने बने टेबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्विक टेबल पे आना है और उसके बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लें जो आपको चाहिए जैसे मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है तो इस तरह से हम यहाँ पे बना बना टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपना टाइटल चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो डाटा है फॉर्मेटिंग आपकी वही रहेगी स्टाइल आपका वही रहेगा कलर स्कीम आपकी वही रहेगी सिर्फ आपने जो टेबल के अंदर सेल के अंदर या कॉलम के अंदर डाटा लिखा हुआ है आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये देखिए आपको टेबल यहाँ पे नजर आ रहा है तो आपने मुकम्मल टेबल को यहाँ पे सलेक्ट करना है इस तरह से कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको उठाकर नीचे तर की तरफ लेके आएंगे और फिर सबसे पहले आपने क्लिक को यहाँ पे आपने ड्रॉप करना है फिर उसके बाद कंट्रोल को तो इस तरह से आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है इसको उठाना है नीचे की तरफ पहले आपने क्लिक रिलीज़ करना है फिर उसके बाद आपने कंट्रोल को तो इस तरह से आप इसकी कॉपी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें टेबल डिजाइन के बारे में कि टेबल डिजाइन आप किस तरह से कर सकते हैं तो टेबल डिजाइन की कमांड कब ऑन होगी कि आप जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे टेबल पे आएंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अगर आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तब ये कमांड आपके पास एक्टिव नहीं होगी जैसे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ऊपर टेबल डिज़ाइन का हमारे पास यहां पर टैब ओपन हो जाता है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद टेबल स्टाइल में से आपने कोई भी इसमें स्टाइल ले लेना जैसे मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर लिया और फिर इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे हेडर रो को रिमूव करना चाहते हैं तो ये सबसे ऊपर आपको ये वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर वाली जो रो है वो हेडर रो कहलाती है तो यहाँ पे क्लिक करके आप हेडर रो देखिए मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर लेता हूँ हेडर रो को यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं शो भी कर सकते हैं हाइड भी कर सकते हैं शो भी कर सकते हैं टोटल रो यहाँ पे शो करवा सकते हैं टोटल रो ये डबल लाइन नज़र आ रही है टोटल रो हमारे पास है तो यहाँ पे इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करवा सकते हैं तो यहाँ पे बैंडेड रोज हमारे पास आ रही है एक के बाद दूसरी रो में कलर आ रहा था तो यहाँ से इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करवा सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास फर्स्ट कॉलम में कलर तभी आएगा जब आपने यहाँ पे उसी तरह का आपने स्टाइल सेलेक्ट किया होगा जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट कॉलम में कलर आ रहा है यहां से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और अगर आप लास्ट कॉलम में कलर देना चाहते हैं तो आप लास्ट पे क्लिक करें तो लास्ट कॉलम में कलर आ जाएगा बैंडेड कॉलम में देना चाहते हैं तो एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर अप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से आप यहां पे अपनी मर्ज़ी से कलर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है शेडिंग हमारे पास कि अगर आप यहाँ पे शेड देना चाहते हैं तो आपने मेन हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी शेड यहाँ पे दे सकते हैं उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर स्टाइल है कि बॉर्डर स्टाइल आप कौन सा देना चाहते हैं जैसे हम बॉर्डर स्टाइल इसमें ये वाला देना चाहते हैं फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको साइज आप लाइन स्टाइल भी दे सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद लाइन को आप साइज भी यहाँ पे दे सकते हैं और उसके बाद लाइन को कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं और उसके बाद देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया है वही स्टाइल आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मगर ये तभी तो अप्लाई होगा जब आपने बॉर्डर पेंटर पे क्लिक किया होगा ये इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे और ये आपका अप्लाई होता जाएगा और अगर आप एक साथ सबका तो तो बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर लें इस कमांड को रिलीज कर दें तमाम टेबल को आप सेलेक्ट करें तमाम टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां से लाइन को स्टाइल देना है फिर उसके बाद लाइन को साइज देना है फिर उसके बाद लाइन को आपने यहाँ पे कलर देना है और यहाँ पे क्लिक करके आपसे कर लेंगे आउटसाइड बॉर्डर तो ये आपका आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा अगर आप इनसाइड बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल लाइन पे आप क्लिक करें और सिंगल लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन को हम साइज़ देंगे लाइन को हमने यहाँ पे कलर दिया और फिर उसके बाद हम बॉर्डर्स पे आते हैं और इनसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन हमारे पास इंसर्ट हो चुकी है तो ये था डे फोर का लेक्चर जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें वो लेआउट टैब पढ़ेंगे और डे फाइव में हम बात करेंगे इसमें लेआउट टैब के बारे में लेआउट टैब की क्वान भी तभी ओपन होगी जब आपके पास यहाँ पे टेबल होगा टेबल के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो लेआउट टैब ओपन होगा वरना अगर बाहर क्लिक करेंगे या टेबल नहीं है तो लेआउट टैब की क्वांट कभी ऑन नहीं होगी तो हम इसके अंदर जैसे क्लिक करते हैं तो लेआउट का हमारे पास यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल ले, ले, ले लेते हैं इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूँ आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं डिलीट टेबल इंसर्ट पे आते हैं एक और टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जैसे टेबल ड्रॉ करेंगे तो ऊपर लेआउट का हमारे पास टैब ओपन हो जाएगा तो पहली कमांड इसमें आ रही है सेलेक्ट की कि आप सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इसके अंदर क्लिक करें और उसके बाद सेलेक्ट पे आ जाएँ सेल पे क्लिक करें सेल सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहां पे क्लिक करें जिस रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे सेलेक्ट पे आएंगे रो पे क्लिक करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कॉलम में आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे आएंगे कॉलम पे क्लिक करेंगे कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप मुकम्मल टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पे आएंगे सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल टेबल भी आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो सेलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आप जब तक आप सेल को कॉलम को रो को या टेबल को सेलेक्ट नहीं करते तब तक इसके अंदर लिखी हुई तहरीक को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते आप इसको बोल्ड नहीं कर सकते अटैलिक नहीं कर सकते इसके अंदर कलर नहीं फिल कर सकते इसे कट कॉपी नहीं कर सकते इसको पेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप टेबल को कॉलम को रो को सेलेक्ट नहीं करते तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब भी सेल सेलेक्ट हो जाएगा साइड पे क्लिक करेंगे तो तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा माउस के जरिए भी और बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी और टॉप पे क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा अब माउस की मदद से भी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्न हम पढ़ेंगे व्यू ग्रिड लाइंस आपके पास जो ये लाइंस हैं ये बॉर्डर लाइंस हैं ये आसानी के साथ प्रिंट हो जाती है अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको ये प्रिंट प्रव्यू में नज़र आ रही है और प्रिंट प्रव्यू में वही डाटा नज़र आता है जो प्रिंट होना होता है तो यानी इसका मतलब है ये लाइन आपकी प्रिंट होंगी अगर हम टेबल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं लाइन्स को रिमूव कर देते हैं मुकम्मल टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं टेबल डिज़ाइन पे आते हैं बॉर्डर्स पे आते हैं नो no बॉर्डर करते हैं तो देखिए बॉर्डर आपका रिमूव हुआ है मगर टेबल रिमूव नहीं हुआ टेबल आपके पास अब भी मौजूद है तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टेबल मौजूद है मगर हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं कितनी रोज़ हैं कितने सेल्स हैं तो हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा टेबल विजिबल नहीं भी है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है लेआउट पे आना है और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो तमाम लाइंस आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इसमें सिर्फ डाटा आप एंटर कर सकेंगे आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि इतने कॉलम से इसी जगह पे कॉलम है इतनी रोज है टेबल यहाँ पे मौजूद है मगर ये टेबल आपका प्रिंट नहीं होगा जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइने देखिए प्रिंट नहीं हो रही तो ग्रिड लाइन सिर्फ आपकी हेल्प करती है कि आपका टेबल किस जगह पे किस जगह डाटा लिखना है और किस जगह डाटा नहीं लिखना और फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्ड हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ को भी सेट कर सकते हैं जैसे फर्ज कीजिए मैंने टेबल पे क्लिक किया यहाँ पे और मैं इसे ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर रहा हूँ मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करते हैं ऑल बॉर्डर से कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको रिसाइज़ करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ पे जो नीचे बॉटम वाला कॉर्नर है इसको सेलेक्ट करके इसे रिसाइज़ कर लेता हूँ फिर आपने मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद अगर हम सेंटर करेंगे तो टेबल आपका सेंटर में आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं अगर हम इसे करेंगे राइट तो टेबल हमारा राइट की तरफ आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसे आप लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा इस तरह से हम टेबल को लेफ्ट राइट और सेंटर भी कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में ड्रा टेबल ड्रॉ टेबल हम पढ़ चुके हैं वैसे भी टेबल डिज़ाइन के अंदर कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं आपने जो लाइन यहाँ से रिमूव करनी है ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आसानी के साथ कर सकते हैं तो इसके लिए आपने टेबल पे आना है और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है लाइन डिज़ाइन को उसके बाद लाइन कलर को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इसको और रेजिटूर पर क्लिक करके आप लाइनों को रेज़ भी कर सकते हैं अगर जिन जिन लाइनों को आप रेज करना चाहते हैं आसानी के साथ आप वहाँ पर क्लिक करते जाएँ तो लाइनें यहाँ पर रेज भी होती जाएंगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है डिलीट कि आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं जैसे कि फर्स्ट कीजिए कि हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम क्लास एंड रोल नंबर तो यहाँ पे सेल को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है उस सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे जिस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं फिर उसके बाद आपने लेआउट पर क्लिक करना है डिलीट पर आना है डिलीट सेल पर क्लिक करें तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा अगर आप पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं ये वाली तो इसमें आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करें आप डिलीट पे आ जाएं डिलीट रो पे क्लिक करें आपकी रो डिलीट हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ है जैसे हमने यहाँ पे अली टाइप किया ज़ाहिर टाइप कर लिया उम्र टाइप कर लिया तो या मुकम्मल हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसमें कहीं पर भी क्लिक करें और उसके बाद आपने डिलीट पे आना और डिलीट कॉलम पे क्लिक करें कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा और इस तरह से डिलीट पे आते हैं डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है मुकम्मल टेबल आपका डिलीट हो जाएगा तो इस तरह से हम रो कॉलम सेल या टेबल को डिलीट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं फिर हम एक और टेबल इंसर्ट करते हैं ताकि बाकी कमांड को भी हम आसानी के साथ समझ सकें पढ़ सकें तो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है इंसर्ट अबव कि आपको इसके ऊपर एक रो चाहिए जैसे कि मैंने यहां पे टाइप किया नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट मार्क्स टोटल एंड ऑपटेन अब उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए तो मैं इंसर्ट अबव पे क्लिक करूंगा आपको इसके ऊपर एक रो मिल जाएगी अगर आपको इसके नीचे एक रो चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फर्श कीजिए कि फालकन कंप्यूटर अकेडमी तो इसके नीचे आपको एक रो चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक करना है इसके नीचे आपको एक रो मिल जाएगी अगर आपको इसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उस जगह क्लिक करें जिस जगह आपको लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए आपने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे कॉलम मिल जाएगा अगर आपको इसकी राइट साइड पे कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड पे कॉलम मिल जाएगा और उसके बाद मर्ज सेल्स कि अगर आपने दो या इससे ज़्यादा सेल्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो आपने यहां पे इस कमांड का यूज़ करना है अगर हम एक ही सेल में क्लिक करते हैं तो ये कमांड कभी एक्टिव नहीं होगी और इसके साथ बाकी तमाम सेल्स को आप ऐसे सेलेक्ट करते हो तो फिर आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक ही सेल बन जाएगा फिर हम बात करेंगे सिपरेट सेल्स के बारे में क्या आप एक ही सेल के अंदर मजीद नए सेल इंसर्ट करना चाहते हैं जैसे मैंने यहां पर टाइप कर लिया डेट और उसके बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे तीन सेल्स चाहिए या सीन आई -सी नंबर में लिखना चाहता हूँ या मैं एन टी एन नंबर लिखना चाहता हूँ या मैं डेट लिखना चाहता हूँ या अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग से हमें सेल चाहिए होते हैं तो सिपरेट सेल्स पे क्लिक करते हैं तो फिलहाल मुझे यहाँ पे तीन सेल चाहिए तो थ्री कॉलम यहाँ पे टाइप करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें आपको थ्री सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे तो इस तरह से आप इसको ईजीली एड कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे सिपलेट टेबल के बारे में कि हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग टेबल से अलग हो जाए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सिपलेट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपकी हेडिंग अलग और टेबल आपका अलग हो जाएगा अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो खाली जहाँ पे क्लिक करें की से डिलीट का बटन प्रेस करें तो दोबारा ये जुड़ भी जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे ऑटो तो फिट के बारे में कि आपने ऑटो फिट की कमांड का यूज़ किस तरह से करना है यहाँ पे सबसे पहले हम इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं राइट क्लिक करते हैं सिलेक्ट करने के बाद डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं और एक और छोटा सा टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जैसे मैंने ये वाला कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अमाउंट और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया बैलेंस और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया एडवांस ये मैं यहाँ पे इसमें कर क्या अमाउंट एडवांस और उसके बाद कह लेते हैं इसे बैलेंस अब कुछ डाटा मैंने यहाँ पे राइट करना है और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ ये ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स हो जाए अगर तहरीका का साइज़ बढ़े तो कॉलम का साइज़ बढ़ जाए अगर तहरी का, का, तो का साइज कम हो जाये. तो कॉलम का साइज़ भी कम हो जाए तो टेबल को सिलेक्ट करते हैं ऑटो फिट पे आते हैं ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखें तहरी के मुताबिक ये एडजस्ट हो गया जिसमें तो तहरी का साइज कम है तो कॉलम का साइज कम हो गया तहरी का साइज़ बढ़ा तो कॉलम का साइज भी बढ़ गया और उसके फिर हम टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑटो फिट पे आते हैं ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो विंडो के मुताबिक ही एडजस्ट हो जाएगा फिर हम ऑटो फिट पे आते हैं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं अब जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहां पे कोई भी एक्स वाई जेड नाम लिख दिया मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट कीजिए कि फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा तो देखिए हमारे पास यहां पे ये कॉलम की चौड़ाई हमारे पास यहां पे फिक्स्ड हो चुकी है अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं देखिए मैंने फिक्स्ड कॉलम पे क्लिक किया और ये तहरीर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है मगर लेफ़्ट टू राइट नहीं जा रही अगर हम इसे कर लेते हैं यहां पर ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स या ऑटो फिट टू विंडो करते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी राइट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट टू विंडो कर लिया अब उसके बाद जो भी हम राइट कर रहे हैं तो देखिए आपके पास कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ रही है अगर हम चाहते हैं कि तहरीन लेफ्ट टू राइट की तरफ ना जाए बल्कि ये टॉप टू बॉटम की तरफ आए तो मुकम्मल टेबल को आप सेलेक्ट करें ऑटो फिट पे आए फिक्सड कॉलम विट पे आप क्लिक करें अब आप जो भी टाइप करेंगे तहरीन ऊपर से नीचे आएगी मगर लेफ़्ट टू राइट आगे नहीं जाएगी तो इस तरह से भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे इसमें सेल साइज़ के बारे में अगर आपने टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद अगर आपने इसकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हो कम करना चाहते हैं इसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं अगर आपने इसकी विर्थ कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके हम विथ को कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जितने भी कॉलम जितनी भी रोज आपने डिज़ाइन किया है जैसे हम टेबल डिज़ाइन पे आते हैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं और बल्कि लेआउट पे आकर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें ड्रा टेबल पे और अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे टेबल को ड्रा किया हुआ इसमें कुछ कॉलम छोटे हैं तो कुछ है, बड़े हैं कुछ रोज़ की हाइट कम है तो कुछ की ज़्यादा है तो हम तमाम सेल्स को तमाम कॉलम्स को एक जैसा करना चाहते हैं तो आप टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करें इस तरह से और लेआउट पे आने लेआउट पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करें तो तमाम सेल तमाम कॉलम तमाम रोज एक जैसी हो जाएंगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें अलाइनमेंट के बारे में कि सेल के अंदर कॉलम के अंदर या रो के अंदर लिखा हुआ डाटा डाटा को आप अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया क्लास रोल नंबर या उसके बाद सब्जेक्ट और मार्क्स वगैरह हम टाइप कर लेते हैं तमाम डाटा को आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद इसको टॉप से भी सेंटर कर सकते हैं मिड से भी कर सकते हैं आप देखिए मिड में हमारे पास यहाँ पे ये यह जो गैप है ये ज़्यादा है ये बॉटम जब गैप हमारे पास ज़्यादा है तो इसके लिए हम लेआउट पे आते हैं और उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे हम जीरो कर लेंगे लेआउट पे क्लिक करके आपने आफ्टर स्पेसिंग जीरो करनी है फिर आप लेआउट पे आगे आएंगे टेबल के लेआउट पे और यहाँ इसको बॉटम कर सकते हैं टॉप कर सकते हैं और इसे सेंटर भी कर सकते हैं अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना है तो डायरेक्शन भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप सेल मार्जिन सेट करना चाहते हैं जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ तो सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करें और इसको यहाँ से डिलीट कर लें हम इंसर्ट पे आते हैं टेबल पे आते हैं मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया सेवन बाय सिक्स का और यहाँ मैंने टाइप कर लिया संडे मंडे ट्यूजडे वे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे अब उसके बाद इसके ऊपर हमने मार्जिन अप्लाई करना है हम चाहते हैं कि टॉप से और बॉटम से मार्जिन आ जाए तो आपने मुकम्मल टेबल को सेलेक्ट करना है लेआउट पे आना है सबसे पहले तो इसको आप सेंटर कर लें फिर सेल मार्जिन पे आए सेल मार्जिन आप यहाँ पे देंगे जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव टॉप से भी आपने इतना देना है और बॉटम से भी आपने इतना ही देना है इसे आप एट रखें और जीरो पॉइंट जीरो फाइव दर्ज करें और ओके क्लिक करें देखें टॉप एंड बॉटम से आपके पास मार्जिन यहाँ पे आ चुका है अगर आप सेल के चारों तरफ से मार्जिन देना चाहते हैं एक जैसा तो आपने सेल मार्जिन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स और उसके बाद आपने यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो फाइव मार्जिन दर्ज किया और ओके क्लिक किया तो तमाम सेल्स के चारों तरफ से आपके पास यहां पे मार्जिन अप्लाई हो चुका है तो इस तरह से आप यहां पे मार्जिन को सेट कर सकते हैं आगे बात करेंगे शॉर्ट के बारे में कि डाटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं ए टू जी या जी टू ए की तरफ लाना चाहते हैं जीरो टू नाइन या नाइन टू जीरो की तरफ लाना चाहते हैं या फिर डेट को आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा टेबल और इंसर्ट करते हैं ताकि हम शॉर्ट की कमांड आसानी के साथ अप्लाई कर सके आप इंसर्ट पे आए टेबल पे आए और टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ फर्जी नाम लिख लें जैसे मैंने जहिर टाइप किया मैंने यहाँ पे यासिर कर लिया मैंने यहाँ पे मोहन कर लिया मैंने यहाँ पे दीपक कर लिया मैंने यहाँ पे अली कर लिया मैंने यहाँ पे बासत कर लिया मैंने यहाँ पे बासत कर लिया मैंने यहाँ पे बिलाल कर लिया मैंने यहाँ पे चांद कर लिया मैंने यहाँ पे इसमें कर लिया फ़र्ज कीजिए के ताहिर और उसके बाद डाटा को हम यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं ए टू जी या जी टू ए की तरफ तो आप लेआउट पे आए शॉट पे क्लिक करें और उसके बाद आपने शॉट करना चाहते हैं टेक्स्ट को और असेंडिंग पे आ जाएं ओके क्लिक करें तो तरतीब आपकी ए टू जी की तरफ आ जाएगी तो यहाँ से हमें मुकम्मल कॉलम वन सेलेक्ट करना है यहाँ से अगर आपको नेम बाय चांस सेलेक्ट हो भी जाए तो आप यहाँ पे कॉलम पे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट करेंगे असेंडिंग करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तरतीब ए टू जी की तरफ आ जाएगी शॉर्ट पे आते हैं डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करेंगे तथ्य आपके पास यहाँ पे जी टू ए की तरफ आ जाएगी तो आपने यहाँ से कॉलम वन ही सेलेक्ट करना है ये देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं दोबारा और मुकम्मल टेबल नहीं सलेक्ट करना बल्कि यहाँ पे कॉलम वन सेलेक्ट करना है आपने शॉर्ट पे आना है उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम वन सेलेक्ट करेंगे और असेंडिंग पे आ जाएं और उसके बाद यहाँ बल्कि सॉरी डिसेंडिंग पे आ जाएं और ओके क्लिक करें तथ्य आपकी जी टू ए की तरफ आ जाएगी इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्च में आ रही है रिपीट रोज़ कि आप मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर आपने टेबल को इंसर्ट किया हुआ है और उसके बाद आप चाहते हैं कि तमाम टेबल्स के ऊपर हैडिंग एक जैसी आनी चाहिए जैसे फर्श कीजिए कि मैंने इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर लिया और एक बड़ा टेबल मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे सिक्स कॉलम्स हैं और फिफ्टीन हंड्रेड रोज है हमारे पास हम अगर एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कम से कम भी पेजेस की तादाद जो बनी है हमारे पास वो कितनी बनी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बॉटम की तरफ कि अगर हम यहाँ पे आखिर में जाते हैं कंट्रोल एंड का बटन प्रेस करके और यहाँ पर कुछ भी हम राइट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर पे टोटल पेजेस की तादाद थर्टी हो चुकी है और उस पर थर्टी पेजेस के ऊपर हम चाहते हैं कि हेडिंग एक जैसी हो जैसे हर पेज के ऊपर नेम आना चाहिए नेम आना चाहिए हर पेज के ऊपर फादर्स नेम आना चाहिए और हर पेज के ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आना चाहिए हर पेज के ऊपर सिटी आनी चाहिए हर पेज के ऊपर अमाउंट आनी चाहिए हर पेज के ऊपर बैलेंस आना चाहिए तो हम चाहते हैं ये है, हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए तो इसका आसान तरीका यही है कि आप मुकम्मल हेडिंग को सेलेक्ट करें आप लेआउट पे आ जाएं और उसके बाद रिपीट हैडरोल्स पे आप क्लिक करें जैसे रिपीट हैडर रोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे ये कमांड अप्लाई हो चुकी है इसके ऊपर ग्रे कलर आ रहा है तो आप देखेंगे हर पेज के ऊपर आपके पास ये कमांड ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रही है तो एक ही क्लिक करने से तमाम पेजेस के ऊपर आप हेडिंग को प्रिंट करवा सकते हैं अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करेंगे तो पहले पेज पर हेडिंग रहेगी बाकी सारे पेज से हेडिंग आपकी रिमूव हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट कि अगर टेबल के अंदर कोई तहरीर लिखी हुई है उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करके इस टेबल को हम डिलीट करते हैं फिर आप इंसर्ट पे आए टेबल पे आए और उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और उसके बाद यहाँ पे कर लिया ट्वेल्व और उसके बाद यहाँ पे कर लिया थर्टीन और उसके बाद फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन कर लिया हम चाहते हैं कि टेबल यहाँ से रिमूव हो जाए मगर तहरीर रिमूव ना हो तो आप लेआउट पे आए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करें टैब पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें टेबल ख़त्म हो जाएगा मगर तहरीर ख़त्म नहीं होगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड वापस में आ रही है दोबारा हम टेबल इंसर्ट करते हैं ताकि लेआउट का हमारे पास यहाँ पर यह टैब ओपन हो जाए और हम बात करेंगे फॉर्मलाज के बारे में आपने यहाँ पे कुछ भी राइट किया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 500, 200, 400, 500 इन सब को सम करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है इस तरह से हम कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू टाइप करते हैं टोटल मालूम करना चाहते हैं तो फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं वो चल के हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे तो ये था डे फाइव का लेक्चर जिसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और डे सिक्स में हम पढ़ेंगे इसमें इंसर्ट टैब की ही कमांड पिक्चर के बारे में कि आप एम एस वर्ल्ड के अंदर पिक्चर किस तरह से ऐड कर सकते हैं तो जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद पिक्चर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो तीन हमारे पास यहाँ पे कमांड नज़र आती हैं एक कमांड इसमें नज़र आ रही है दिस डिवाइस और दूसरी इसमें आ रही है स्टॉक इमेजेस और तीसरी हमारे पास इसमें आ रही है ऑनलाइन पिक्चर्स दिस डिवाइस के ज़रिए आप किसी भी ड्राइव या किसी भी फोल्डर से तस्वीर पेज पर ला सकते हैं यानी जो तस्वीर हमने कंप्यूटर के अंदर सेव की होती हैं किसी फोल्डर में या ड्राइव में उनको अगर पेज पर लाना हो तो दिस डिवाइस का यूज़ करते हैं अगर आप स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री में जो एम एस वर्ल्ड ने यहाँ पे गैलरी के अंदर यहाँ पे तस्वीरें रखी हुई हैं एम एस वर्ल्ड की तरफ से फ्री में वो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इंटरनेट से ऑनलाइन पिक्चर्स को सर्च करना चाहते हैं तो फिर आपने इस कमांड का यूज़ करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस डिवाइस के बारे में अब दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है उस फोल्डर में चले जाना है जिस ड्राइव या फोल्डर में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जिस तरह हमारे पास फाल्कन में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मैंने वाल में कुछ पिक्चर्स यहाँ पर सेव की हुई हैं जैसे मेरे पास ये किड्स की पिक्चर है तो यहाँ पे फ़र्ज कीजिए कि मैं ये वाली पिक्चर या ये वाली पिक्चर पेज पर लाना चाहता हूँ और जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यही पिक्चर पे पेज पर पे इंसर्ट पे हो जाएगी उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके आपने इसको रिसाइज़ करना है आप नोट करें कि जब भी आप पिक्चर पेज पर लेके आएंगे तो जैसे आप किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके इसको आप रिसाइज़ करेंगे तो ये पिक्चर हमेशा लेफ़्ट की तरफ जाएगी क्योंकि हम डाटा लेफ़्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं इंग्लिश का ये राइट की तरफ नहीं जाएगी तो इसको अगर आप राइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं टॉप पे बॉटम पे लेके जाना चाहते हैं तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको स्केर भी कर सकते हैं और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं तो फिलहाल मैं ज़्यादातर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ यहाँ पे क्लिक करते हैं आप इस पिक्चर को उठाकर आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो आप पास में आ रही है वो ये कि पिक्चर का फॉर्मेट टैब हमारे पास में आ रहा है हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप पिक्चर पर क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा टैब ओपन हो जाएगा और यही कमांड्स आपको वर्ड में भी नज़र आएंगी एक्सेल में भी नज़र आएंगी पावर पॉइंट में भी नज़र आएंगी यानी इन कमांड्स को सीखने के बाद बड़ी आसानी के साथ आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में पिक्चर के साथ काम कर सकते हैं तो पहली कमांड इसमें हम पढ़ेंगे रिमूव बैकग्राउंड के बारे में कि आप पेज का यहाँ पर जो हमारे पास पिक्चर है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड पर आप क्लिक करें तो आप देखिए जो इसका पर्पल हो चुका है वो रिमूव हो जाएगा मगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जो हमारे पास एक्स्ट्रा हिस्सा सेलेक्ट हो गया है ठीक है वो हम आ, कुछ हिस्सा इसमें रिमूव करना चाहते हैं कुछ रिमूव नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्क एरिया टू कीप कि जिस हिस्से को रखना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करते जाएंगे ऐसे तो ये देखें ये हिस्सा आपके पास यहाँ पर रिमूव होने से बच जाएगा यहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हम इसको रिमूव होने से रोक सकते हैं ऐसे अब उसके बाद इसको हम रिमूव करना चाहते हैं ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है मार्क एरिया टू आ, मार्क एरिया टू रिमूव तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए ये हिस्सा आपका सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे हम कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है और उसको आप अगर रीसेट करना चाहते हैं तो आपने रीसेट पिक्चर पर क्लिक करना है तो पिक्चर दोबारा से रीसेट भी हो जाएगी उसके बाद अगर आप क्रैक्शन करना चाहते हैं पिक्चर में तो आपने यहाँ पे पिक्चर की यहाँ पे ब्राइटनेस अगर कम है तो ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं शार्पनेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे कलर टूंस पड़ी हुई हैं आप जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहें वही इफेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए जैसे मैंने शार्पनेस यहाँ से बढ़ा दी अब उसके बाद यहाँ पे कलर्स में आ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं उसके बाद आप इसका कलर यहाँ पे डार्क भी कर सकते हैं सैचुरेशन को बढ़ा भी सकते हैं उसके बाद किसी एक कलर में अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो एक कलर में भी आप पिक्चर को यहाँ पर ला सकते हैं और उसके बाद हमारे पास था? में आ रही है इफेक्ट कि यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अगर आप पिक्चर को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं पिक्चर को क्लियर नहीं दिखाना चाहते तो पिक्चर को ब्लर वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं ये देखें कि पिक्चर धुंधली नज़र आए इसमें क्लियर पिक्चर नजर ना आए तो पिक्चर देना चाहते हैं मगर उसके पिकल कोई इफैक्ट अप्लाई करके देना चाहते हैं ताकि पिक्चर को पिक्चर को मिस ना कर सकें अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ब्लर का इफेक्ट हमने अप्लाई किया ब्लर कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करना है आर्टिस्टिक इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये शेडो है उसके बाद रेडियस है हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं देखिए ब्लर मैंने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं तो यहाँ से जो भी इफैक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं ये देखिए हमारे पास स्केलिंग है यहाँ पे इसको हम बढ़ा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इस तरह से भी आप इसमें इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें पास में आ रही है मैं इसको एक बार फिर से रिसट कर लेता हूँ फिर इसको ताखे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसको आप और लाइट और इसको ड्रॉप डार्क भी रख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं और पिक्चर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके आप यहाँ से यहाँ से आप इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसको और ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड के अंदर जब भी कोई लोगो वगैरह हम ऐड करना चाहते हैं एक पेज के ऊपर तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर लेते हैं तो ये यह आपने यहाँ से कर लेना है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें आ रही है पिक्चर कंप्रेस करना चाहते हैं कि पिक्चर को किस तरह से कंप्रेस किया जाए बाद वो ऐसा होता है कि पिक्चर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन की होती है एच में पिक्चर्स होती हैं उसके बाद अगर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी पिक्चर आपने यूज़ की है तो उसके बाद उस फाइल को बार बार अगर ओपन हैं या उसके बाद कहीं पे आप सेंड करें तो वो पिक्चर काफ़ी उसका साइज़ बढ़ जाता है तो हम पिक्चर उसमें जो पिक्चर्स हैं उसमें इतना जो डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास इमेज फॉर्मेट में उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंप्रेस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ई मेल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो जरा गौर कीजिएगा कि हम जैसे मौके पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर के पिक्सल्स यहाँ से कम हो जाएंगे तो यानी पिक्चर का साइज़ अगर फर्श कीजिए हमारे पास हंड्रेड के बी था तो ये ट्वेंटी फाइव के भी हो जाएगा अगर हम इसको रीसेट करना चाहते हैं तो अंडू का इस्तेमाल करके भी हम उसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो आपस में आ रही है वो ये कि हम चेंज पिक्चर करना चाहते हैं फर्स्ट केस की जगह हम कोई और पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद आपने फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करना है फिर उसके बाद यहाँ से हम वो ड्राइव उस वो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जो उसकी जगह हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो सेम उसी जगह पर आपकी नई पिक्चर ऐड हो जाएगी चेंज पिक्चर करने से और रिसेट के बारे में ऑलरेडी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं अप्लाई करने के बाद उसको आप जैसे रिसेट पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर दोबारा से जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आते हैं इसमें हम क्लिक करते हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स पड़े हुए हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी फ्रेम अपनी मर्जी से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने ये वाला कर लिया इस तरह से पिक्चर स्टाइल अप्लाई करने के बाद अगर आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद बॉर्डर का साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मार्ट्स रही है पिक्चर इफेक्ट्स हमारे पास कि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यह यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम शेडो दे सकते हैं उसके बाद रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट हमारे पास अप्लाई हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है बॉटम में और उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं सॉफ्ट टैच वगैरह तो हम इसको ये भी कर सकते हैं मगर ये इफेक्ट तभी अप्लाई होगा जब आपका ये जो स्टाइल आपने अप्लाई किया ये रिमूव आप करेंगे मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ रिसेट करने के बाद हम यहाँ पर इसमें आते हैं उसके बाद आपने इसमें आना है सॉफ्ट टेज पर तो आप इस तरह से ये इफेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि चारों तरफ से पिक्चर आपकी मध्यम हो जाएगी हम एक और पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इंसर्ट पे आते हैं पिक्चर पे आते हैं दिस डिवाइस पे आपने आना है और उसके बाद यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी दूसरी पिक्चर हम ले लेते हैं जैसे मैंने ये वल ले ली और उसके बाद हमने इसको कर लिया यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसको रिसाइज़ करते हैं अब अगर हम इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर वाजिया तौर पर ये इफेक्ट यहाँ से नजर आएगा देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया बीबल पे तो ये देखें आप बॉर्डर की तरफ देखें चारों कौनों की तरफ देखें तो ये देखिए इफेक्ट्स आपके पास ये अप्लाई हो रहा है तो बनाया बनाया फ्रेम भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें मजीद चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आपने पिक्चर इफेक्ट पे आना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे विगल पे और उसके बाद थ्री डी ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपनी मदद से यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ से आप जो चाहें अप्लाई करना चाहें वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं तो इस तरह से भी आप फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे रिसट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिसट भी हो जाएगा और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें पोजीशन के बारे में कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक्चर को रिसाइज करते हैं अगर पिक्चर की पोजीशन हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पोजीशन पे और उसके बाद आप इसे लेफ्ट की तरफ सेंटर में राइट की तरफ मिड में या बॉटम में या टॉप पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद रैप टेक्स्ट में अगर आप स्केर पर क्लिक करते हैं तो आप इसको कहीं पर भी मूव आसानी के साथ कर सकते हैं और उसके बाद अगर फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई तहरीर लिखी हुई मैंने लिखा यहाँ पे रैंड ब्रैकेट स्टार्ट बैकड क्लोज एंटर करते हैं और उसके बाद पिक्चर को हम यहाँ पर एडजस्ट हैं और उसके बाद फिर हम पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से यहाँ से देखिए हम टाइट पे क्लिक करते हैं तो चारों तरफ से टैक्स में आ रहा है थ्रो पे क्लिक करते हैं तो ये हम इसको बड़ी आसानी के साथ पैराग्राफ में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम क्लिक करते हैं टॉप इन बॉटम पे तो पैराग्राफ के टॉप इन बॉटम पे एडजस्ट होगा बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा इन फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा और एडिट ट्रैप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको आप एडिट भी कर सकते हैं कि आप इसको अपनी आसानी के साथ ये देखें किसी पॉइंट पर आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं ये और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही हम पास यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टैक्स ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यही इन फ्रंट ऑफ टैक्स ताकि इसको आसानी के साथ आप टैक्स के ऊपर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकें नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक के बारे में फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास एक पिक्चर ये वाली है और उसके बाद हम इंसर्ट पे आते हैं पिक्चर पे आते हैं दिस डिवाइस पे आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक और पिक्चर ऐड करते हैं जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ऐड की और रैप टेक्स्ट पे आते हैं स्केल पे क्लिक करते हैं इसको हमने रिसाइज कर लिया तो इस तरह से पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपने इसको भी रिसाइज करना है और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब देखिए ये पिक्चर पहले आई है ये पिक्चर बाद में आई है अगर हम इस पिक्चर को यहाँ पे लेके आते हैं तो वो पिक्चर बैक पे और ये टॉप पे हमारे पास अगर हम इसको बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो हमने ऊपर वाली पिक्चर पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे, तो बैक पिक तो पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर बैक पे चली जाएगी अगर हम इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर फ्रंट पर भी आ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिलेक्शन पैनल के बारे में कि आपने पेज के ऊपर जितनी भी पिक्चर आपने ऐड की होती हैं अगर आप उनमें से किसी पिक्चर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते उसे हाइट रखना चाहते हैं डिलीट नहीं करना चाहते उसको हाइट रखना चाहते और प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आपने उनका रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और किसी पिक्चर को हाइड या शो भी करवा सकते हैं सिलेक्शन पैनल पर क्लिक करने के बाद अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए राइट की तरफ हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन पैनल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आंख के निशान पे देखिए इस आई पे जैसे हम क्लिक करेंगे जो पिक्चर सेलेक्ट होगी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली पिक्चर हाइड हो रही है अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाली पिक्चर हाइड हो रही है दोनों को हाइड करने दोनों को हाइड कर सकते हैं और उस शो आल पर क्लिक करेंगे तो दोनों पिक्चर शो भी हो जाएंगी इस तरह किसी एक पिक्चर को क्लिक करके आप यहाँ पर इसको बैक पर भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इसको आप फ्रंट पर भी लेके आ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें अलाइनमेंट के बारे में कि अगर आपके पास एक पिक्चर ये वाली है और उसके बाद एक पिक्चर ये वाली हमारे पास है तो हम एक पिक्चर को यहाँ पे दूसरी पिक्चर के टॉप पे बॉटम पे लेफ़्ट राइट या सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप उस पिक्चर पे क्लिक करें जिस पिक्चर को आप दूसरी पिक्चर के सेंटर में लाना चाहते हैं यानी ये मैंने इस पिक्चर को रिसाइज़ किया है अब इसी पिक्चर को मैं इस पिक्चर के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या सेंटर में लाना चाहता हूँ तो आपने सबसे पहले इस पिक्चर पर क्लिक करना है शिफ्ट के साथ आप दूसरी पिक्चर पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसमें आना है अलाइनमेंट पे और उसके बाद अलाइन टू लेफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी उसके बाद हम अलाइन टू सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगी अलाइन टू मिड करेंगे तो ये मिड की तरफ आ जाएगी अलाइन टू हम यहाँ पे अगर बॉटम करते हैं तो ये बॉटम की तरफ आ जाएगी मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों पिक्चर्स आप आसानी के साथ देख सकें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अलाइन टू पेज करना चाहते हैं लाइन टू पेज पे ये अलाइनमेंट अप्लाई होगी लाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो सिर्फ़ इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इन्हीं दो पिक्चर के ऊपर लाइनमेंट आपकी अप्लाई होगी तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हमने इन दोनों पिक्चर्स को हम ग्रुप करना चाहते हैं देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक वक्त में एक ही पिक्चर मूव हो रही है मगर हम चाहते हैं दोनों पिक्चर को हम ग्रुप कर लें तो शिफ्ट के साथ दोनों पिक्चर्स को आपने सेलेक्ट करना है एक पे क्लिक करें फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर पे क्लिक करें और उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इसको हम ग्रुप कर चुके हैं आप इसको कहीं पर भी आप अगर मूव करेंगे तो दोनों पिक्चर्स एक साथ मूव होंगी अगर हम इसको कट करना चाहते हैं कॉपी करना चाहते हैं तब भी ये दोनों एक साथ ही अप्लाई होंगी अगर हम इसमें कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तब भी ये दोनों पे एक साथ ही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमने इसको अनग्रुप कैसे करना है तो हम यहाँ पे इसमें आते हैं क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने ग्रुप पे आना है इसे अनग्रुप पे क्लिक करें तो दोनों पिक्चर अनग्रुप भी हो जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे रोटेट के बारे में कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी रोटेशन यहाँ पे अप्लाई करके पिक्चर का एंगल आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं रोटेट के बाद ग्रुप क्रॉप पे आते हैं तो इसमें देखिए दो कमांड्स हम इसमें पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास में क्रॉप शेप है और उसके बाद एस्पेक्ट रेशो हमारे पास में आ रही है कि अगर हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं इस पिक्चर को तो आपने क्रॉप पे आना है क्रॉप पे क्लिक करेंगे और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको क्रॉप करना है जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको क्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्रॉप टू शेप पे आप क्लिक करें ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप आसानी के साथ किसी भी दूसरी शेप के अंदर आप इसको क्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमाइट्स मेरे पास यहाँ पे ये यह हमारे पास डिफरेंट साइज़ वगैरह अप्लाई करने के लिए होता है जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे और नेक्स्ट पमाट हम बात करेंगे इसमें फिल के बारे में कि अगर आपने यहाँ पे पिक्चर को क्रॉप किया शेप के अंदर तो आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पिक्चर को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं कि इसको लेफ्ट की तरफ रखना है राइट right की तरफ रखना है छोटा करना है बड़ा करना है वो हम आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें साइज के बारे में कि अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है जैसे मैं देखिए इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है अगर हम विड़थ बढ़ाते हैं तो हाइट बढ़ जाएगी अगर हम यहाँ पे हाइट बढ़ाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली तो बढ़ती जाएगी तो हम चाहते हैं पिक्चर को कोई अपनी मर्जी का साइज़ देना परफेक्ट साइज़ देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वन बाय वन की पिक्चर बन जाए टू बाय टू की पिक्चर बन जाए तो परफेक्ट साइज़ देने के लिए आपने इसी पिक्चर पे क्लिक करना है फिर उसके बाद आप यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे साइज के ग्रुप में आपने यहाँ पे इस सैर ओ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने साइज़ पे आना है साइज पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशो की कमांड को यहाँ से अनचेक करना है यहाँ पे हम साइज़ देते हैं वन बाय वन ताकि एक बाय एक की पिक्चर हमारे पास बने तो आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास जो साइज है वन बाय वन का आ चुका है अब अगर आप यहाँ पे हाइट बढ़ाएंगे तो वर्थ नहीं बढ़ेगी हमने इसे ऑटो पे नहीं रखा उसके बाद अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये देखिए अपनी मर्जी का साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं जैसे मैंने वन पॉइंट फाइव बाई वन पॉइंट फाइव इंच दिया तो इस तरह से आप पिक्चर फॉर्मेट कमांड का यूज़ करके आप अपनी पिक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं इंसर्ट के ऊपर और उसके बाद पिक्चर पे आते हैं और स्टॉक इमेजेस पे आते हैं अगर हम स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फ्री में जो पिक्चर्स पड़ी होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हैं वो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ पिक्चर को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट की और उसके बाद हम इसको इंसर्ट करते हैं आप एक वक्त में एक से ज़्यादा पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे अब देखिए मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की फिर फिर उसके बाद मैं साथ में ये वाली कर रहा हूँ फिर उसके बाद मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये तीनों पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड होकर पेज के ऊपर बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगी तो ये देखिए हमारे पास तीनों पिक्चर्स यहाँ पे आ चुकी हैं और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स के ऊपर और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर ये वाली है इसका मैं साइज यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ एक पिक्चर मैंने ये वाली सेलेक्ट की थी इसका साइज मैंने यहाँ पे कम कर दिया और उसके बाद एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी मर्जी से पिक्चर को सेलेक्ट करके आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं फिर हम इंसर्ट पे आते हैं उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है पिक्चर पे उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर पे आते हैं जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर को सर्च भी कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट कीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए एप्पल और उसके बाद जैसे एंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एंटर जैसे मैंने प्रेस किया तो एप्पल की जितनी पिक्चर पड़ी हुई है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं सब तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको इंसर्ट करना है तो पेज पर बड़ी आसानी के साथ ये डाउनलोड होकर पेज पर इंसर्ट हो जाएंगी और बाद में अपनी मर्जी से आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं बाकी सारी वही की वही कमांड्स हैं जो हम पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ चुके हैं देखिए मैंने इसको रिसाइज़ किया और यहाँ पर हम इसको बड़ी आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से ये तो ये था डे सिक्स का लेक्चर जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और डे सेवन में हम बात करेंगे इसमें शेप्स के बारे में कि हमने पेज पर शेप्स को किस तरह से इंसर्ट करना है और उसके साथ हम काम कैसे करते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसको डिलीट कर लेते हैं ताकि पेज खाली हो जाए और हम शेप्स को इंसर्ट कर सकें तो शेप इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद हम शेप पे क्लिक करते हैं शेप का इस्तेमाल हम डिफरेंट जगहों पे करते हैं अगर आपने कोई कवर पेज बनाना है आपने कोई यहाँ पे डिज़ाइन तैयार करना है आपने किसी भी किस्म की शेप आपने तैयार करनी है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लाइंस हैं रेक्टेंगल्स हैं बेसिक शेप्स हैं ब्लॉक एरोस हैं इक्वेशन्स हैं फ्लो चार्ट्स हैं स्टार एंड बैनर्स हैं कॉल आउट्स हैं डिफरेंट टाइप की शेप्स हमारे पास हैं जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया कॉल आउट्स पर और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमने शेप पेज पर इंसर्ट की उसके बाद किसी भी पिक्चर की तरफ इशारा करके यहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं और उसके बाद फिर हम इंसर्ट पे आते हैं शेप पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी मर्जी की भी शेप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं अब देखिए जैसे आप शेप को ड्रा करते हैं आपके सामने यहाँ पे शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है तो इसमें बहुत सारी कमांड ऐसी हैं जो पिक्चर के साथ पिक्चर टैब के साथ आपकी मिलती जुलती हैं यानी कुछ कमांड्स आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं तो इसको समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तो आप शेप फॉर्मेट पर आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है देखिए इंसर्ट शेप की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पे इसके अलावा भी कोई और शेप भी पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं एडिट शेप पे कि हमने यहाँ पे शेप को चेंज करना है एडिट करना है तो हम एडिट शेप पे आएंगे चेंज शेप पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम शेप को चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कि हम यहाँ पर एडिट शेप पर आते हैं उसके बाद एडिट पॉइंट पर आते हैं एड पॉइंट पे जैसे हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपका एक बॉटम में और एक लेफ्ट की तरफ पॉइंट इंसर्ट होता है तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप इसको किसी भी किस्म का डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये यह वाला डिज़ाइन तैयार किया इस पर हम क्लिक करते हैं तो अपनी मर्जी से आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं ये उसके बाद नेक्स्ट कमांड पस में आ रही है कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर आते हैं तो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आप कहीं पर भी कुछ भी राइट कर सकते हैं बॉक्स बनाकर जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके आउटलाइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे शेप आउटलाइन पे आकर इसको नो आउटलाइन भी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें अगर कोई कलर फिल है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं अगर इसमें कलर फिल करना चाहते हैं यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में स्टाइल्स आ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं जो स्टाइल आप यहाँ पे लाना चाहते हैं वही स्टाइल आप आसानी के साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे शेप फिल की तरफ आते हैं कि अगर आपने शेप के अंदर कोई पिक्चर कोई बैकग्राउंड कोई टेक्स्चर वगैरह देना है तो शेप फिल पर आना है यहाँ पर एक तो हम इसका यहाँ पर सोल्ड कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उसके बाद अगर आप पिक्चर लाना चाहते हैं तो आप पिक्चर पे क्लिक करें फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई पिक्चर भी हम लेके आ सकते हैं जैसे हमने ये वाली पिक्चर ऐड की और उसके बाद यहाँ पे अगर शेप आउटलाइन पे इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी नो आउटलाइन भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसके अंदर ग्रेडियंट बाकी कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं आप इसके अंदर टेक्स्चर वगैरह भी फिल कर सकते हैं बैकग्राउंड कोई भी आप इसमें दे सकते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कमांड से पढ़ेंगे कि शेप फैक्ट के आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई फैक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं जो हमने पिक्चर में पढ़ा हुआ है उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ राइट right करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया एम एस वर्ड क्लिक करके जैसे आप यहाँ पे राइट right करेंगे तो ये लिखना स्टार्ट कर देगा इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद होम पे आते हैं होम पे क्लिक करके आपने इसको लेफ्ट या राइट की तरफ आपने इसकी अलाइनमेंट देनी है टैक्स लिखने के बाद अगर आप इसको अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप इसको लेफ्ट या राइट right या सेंटर में भी इसको आप अलाइनमेंट दे सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके स्पेस का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ फिर इस बार इस तारीख को हम सेलेक्ट करते हैं और आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर भी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमने यहाँ होम पे आना है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं इसका फाउंड साइज हम चेंज करने वाले हैं तो ये भी हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे आते हैं यहाँ पे हमारे पास टैक्स फिल की कमांड इसमें आ रही है कि अपनी मज़ से आप यहाँ पे कोई टैक्स फिल भी कर सकते हैं अगर आप ग्रेडेंट पे आते हैं तो यहाँ पे बनी बनाई कलर स्कीम्स होती हैं इनको भी आप यहाँ पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे टैक्स के ऊपर और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट पैड की तरफ तो आते हैं तो यहाँ हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे हम टेक्स्ट टैक्सपैक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ हमने इसमें रिफ़्लेक्शन का इफेक्ट देना है तो इसे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और उसके साथ अगर हम फर्श कीजिए यहाँ पर इसे थ्री में या उसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं किसी और फॉर्मेट में किसी और शेप के अंदर तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम इसमें कर सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें कि हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन इसमें आ रही है कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है फ़र्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे एक शेप ये वाली इंसर्ट की और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फालकन कंप्यूटर अकेडमी यहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ फालकन कंप्यूटर अकेडमी भी यहाँ पर राइट करते हैं इस तरह से राइट करने के बाद अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो इस तहरीक को हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ये देखें ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और होम पे क्लिक करके आप इसका फाउंड साइज भी यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं ये यह आपने यहाँ से कर लेना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट मानो में आ रही है टैक्स अलाइनमेंट की यहाँ पर क्लिक करके आपसे राइट right की तरफ लेके आ सकते हैं जैसे मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके इसे लेफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको सेंटर वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें पोजिशन के बारे में ये कमांड ऑलरेडी हम लेक्चर डे सिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि आपने किसी भी पिक्चर को आपने लेफ़्ट राइट कैसे लेके आना है इसी तरह से हमने शेप पे क्लिक करके इसको लेफ्ट टॉप बॉटम और उसके बाद इस तरह से हम इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं अगर आपने इसको बैक की तरफ लेके जाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेंड बैक अगर आप फ्रंट की तरफ लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट पर आ जाएगा और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसमें कह रहा हूँ रैप टेक्स्ट और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के ये ऊपर आ जाएगा अगर हम इस पर अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद आपने अलाइनमेंट पर आना है अलाइन टू सेंटर करेंगे अलाइन टू मिड करेंगे और उसके बाद अलाइन टू टॉप अलाइन टू बॉटम हम सारी ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके बाद अगर फ़र्ज कीजिए कि हम यहाँ पे किसी एक शेप को हाइड करना चाहते हैं तो सिलेक्शन पैनल पे हम आएंगे जितनी भी शेप्स हमने पेज पर इंसर्ट की होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आती हैं जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ये पिक्चर हाइड हो गई ये भी 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 हाइड हो गई तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसे अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी हाइड हो जाएंगी शेप्स शो आल पर क्लिक करेंगे तो तमाम शेप्स आपके पास शो हो जाएंगे फिर इसके बाद शेप फॉर्मेट पर हम आते हैं और उसके बाद अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने तमाम शेप्स को सेलेक्ट करना है जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं आप ग्रुप पे क्लिक करें तो फिर आप एक साथ इनको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो हम अनग्रुप पे क्लिक करेंगे ये आपका अनग्रुप हो जाएगा और उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से आगे हम बात करेंगे इसको साइज़ देने के बारे में कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं यहाँ से वीडम बढ़ा सकते हैं यहाँ से इसकी हम हाइट बढ़ा सकते हैं जो हमने पिक्चर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने एरो के ऊपर उसके बाद लॉक एस्पेक्ट रेशो पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का साइज़ देना है जैसे हम इसे देना चाह रहे हैं फर्स्ट कीजिए के टू बाय वन कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो टू बाय वन का साइज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो ये था डे सेवन जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डे एट में कि हमने आइकन किस तरह से इंसर्ट करने हैं और उसके बाद थ्री मॉडल किस तरह से लेके आना है स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो डे एट में आपने इन कमांड की प्रैक्टिस करनी है जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आइकनस के बारे में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसको डिलीट कर लें और फिर उसके बाद आपने आइकन पे आना है अगर आपने कोई सोशल मीडिया का आइकन या किसी भी टाइप का आइकन अगर आप पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ये यह आइकन ले सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको जो आइकन भी चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फर्स्ट कीजिए कि स्कूल और हम एंटरप्राइज करते हैं तो स्कूल से रेलिवेंट जितने भी आइकन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपको मिक्सअप आइकन चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हमारे पास देखिए ये तमाम आइकनस तो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक आइकन ये वाला लेना है और उसके बाद दूसरा आइकन मैंने यहाँ पे ये यह वाला लेना है तीसरा आइकन हम यहाँ पे ये यह वाला ले लेते हैं और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये तीनों आइकन एक साथ पेज पर इंसर्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपने ग्राफिक्स फॉर्म पे क्लिक करके आपने इसको कर लेना है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद अपनी मर्जी से आपने आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और फिर हाफिस इसमें आते हैं शिव अपना ग्राफिक्स फॉर्मेट पे हम आते हैं और उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका कलर भी बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से आइकन को उठाकर आप कहीं पर भी लाने के लिए आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करना है और अपनी मर्जी से हम इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर का है ई मेल का है वेबसाइट का है तो डिफरेंट टाइप के सोशल आइकन भी आप यहाँ पर ऐड करके उनको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रहे पास यहाँ पे हमारे पास थ्री मॉडल्स क्या आपने थ्री मॉडल्स आपने यहाँ पे इसमें ऐड करने हैं तो स्टॉक थ्री मॉडल्स पे आप क्लिक करें तो आपके पास स्टॉक्स में यहाँ पे बहुत सारे थ्री मॉडल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये कि क्लिक कर रहा हूँ एनिमल्स के ऊपर तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स की पिक्चर इसमें आ रही हैं और उसमें हम कोई भी पिक्चर यहाँ पेज पर ले लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो बटरफ्लाई यहाँ पर आपकी इंसर्ट हो जाएगी अब देखिए जैसे ये पेज पर इंसर्ट होगी तो आप इसको किसी भी एंगल पे एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ये देखें बड़ी आसानी के साथ आप इसको किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आप इंसर्ट पे क्लिक करके आप थ्री मॉडल और उसके बाद स्टॉक इमेज़स पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये लैपटॉप्स हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे लैपटॉप में फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला लैपटॉप सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप इंसर्ट हो जाएगा और उसको हम थ्री रोटेशन दे सकते हैं कुछ देर वेट करेंगे देखिए जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लैपटॉप आ चुका है अब इस पर क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हम इंसर्ट पे आते हैं इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं अगर आपने मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस को अगर आपने शो करवाना है रिलेशनशिप को आपने शो करवाना है प्रोसेसिंग को आपने शो करवाना है साइकिलिंग को आपने शो करवाना है तो उसके लिए आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ये ले सकते हैं आप स्मार्ट आर्ट जैसे मैंने रिलेशनशिप पर क्लिक किया उसके बाद यहाँ से हमने कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्मार्ट आर्ट पेज पर इंसर्ट हो जाता है अब देखिए जैसे हमने इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का टैब ओपन हुआ है अगर हम खाली जहाँ पे क्लिक करते हैं तो तब वो कमांड एक्टिव नहीं होती तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम टैक्स राइट करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पर जो कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो है एम वर्ड का तो एम वर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मुकम्मल डिटेल हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है अगर ये एरो ओ यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे टैक्स पैनल पे क्लिक करके भी इसको शो करवा सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लिया एम एस वर्ड एम एस वर्ड लिखने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते हैं फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया फ़ाइल बटन फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया होम टैब फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं फिर उसके बाद इंसर्ट टैब फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्रा टैब और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो न्यू आपको यहाँ पे एक शेप मिल जाती है फिर उसके बाद यहाँ पे लेआउट टैब भी नहीं कर दिया तो इस तरह से आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस को अब इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं उसके बाद ये रीसेट ग्राफिक्स की ऑप्शन इसमें आ रही है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद अगर कोई भी ये शेप आपकी इधर से उधर हो गई है या इसके डायग्राम में या इसकी जो शेप में कोई फर्क आ गया तो आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करें दोबारा से रीसेट हो जाएगा अगर आपने स्मार्ट आर्ट स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर भी बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और उसके साथ अगर, अगर आप लेआउट इसका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का हम लेआउट भी कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं जैसे ये लेआउट है ये लेआउट हमारे पास है या ये लेआउट हमारे पास है डिफरेंट टाइप के लेआउट्स आउट्स में पड़े हुए जो हम यहाँ पर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ इसके आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मूव अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे लेआउट टैब जो था वो लेफ्ट की तरफ था जो आप राइट right की तरफ आ चुका है इस तरह से मूव डाउन करेंगे तो हमारे पास ये देखिए मूव डाउन भी हो रहा है मूव अप भी इसे कर सकते हैं मूव डाउन भी इसको कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें उसके बाद प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो कुछ डाटा इसमें डिसेबल भी हो जाएगा जहाँ पे क्लिक किया हुआ है वहाँ से लेकर नीचे वाले डाटा तक अगर आप डिमोट पे क्लिक करेंगे दोबारा ये एक्टिव भी हो जाएगा उसके बाद अगर आप डाटा को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट की तरफ लाना चाहते हैं तो आपने राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करना है जो राइट वाला है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा जो लेफ्ट वाला है वो राइट की तरफ आ जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई शेप ऐड करनी है तो उस जगह हम क्लिक करें जहाँ पे शेप आप ऐड करना चाहते हैं एरो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है शेप आफ्टर या फिर उसके बाद बिफोर तो आपने अपनी मर्जी यहाँ पे जहाँ पे जरूरत तो वहीं पे आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं पेज के बाद यहाँ पे ऐड बुलेट्स पे आते हैं कि आपने उसी के अंदर और बुलेट्स भी आप ऐड कर सकते हैं मजीद उसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं उसी हवाले से तो आप यहाँ पे और भी डाटा दे सकते हैं टेक्स्ट पैनल को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हाइड कर सकते हैं उसको शो भी करवा सकते हैं और उसके आउटलाइन पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं फिर आगे हम बात करेंगे इंसर्ट पे आते हैं इंसर्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे चार्ट के बारे में कि पेज पर अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर तो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चार्ट पे आना है और आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा आपने यहाँ पे कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट जो चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो चार्ट आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने ओके okay पे क्लिक करना है जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट ऐड हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे डाटा राइट करना है देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेल का यहाँ पे हमारे पास ये शीट ओपन हो चुकी है एक्सेल की और पुराने डाटा को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना है और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा और फिर मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिया मैंने यहाँ टाइप किया अली जाहिद उमर एंड राशि मैंने कर लिया उसके बाद मार्क्स हम टाइप करते हैं 85 उसके बाद 65 25 एंड 35 कर लेते हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट हो चुका है चार्ट असल में जो कमांड हमारे पास है वो एक्सेल की है और एक्सेल में इसको आप डिटेल से बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आपने चार्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आप चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आपने चार्ट डिज़ाइन पे आना है उसके बाद यहाँ से हम चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने बार चार्ट लेना है तो बार चार्ट भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करें यहाँ पर आप डाटा में एडिटिंग भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने नाइन्टी कर लिया और फिर उसके बाद अगर आपने डाटा सिलेक्शन पे आप क्लिक करते हैं तो डाटा सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ नामों को हम देना चाहते हैं कुछ को नहीं देना चाहते जिस तरह यहाँ पे हमारे पास चार नाम थे तो हमने तीन को देना और तो बाकी को नहीं देना और ओके क्लिक करते हैं तो तीन जो हमारे पास फ्रंट थे उनका रिकॉर्ड आ रहा है बाकियों का नहीं आ रहा और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसमें आते हैं क्लिक करने के बाद हमारे पास देखें यहाँ से अपनी मर्ज़ से हम कोई भी स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं हम इंसर्ट पे हम आते हैं इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इसमें स्क्रीनशॉट के बारे में कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है फ़र्ज कीजिए कि आपने इस पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे आप आएँगे और जैसे स्क्रीन क्लिपिंग पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा तो अपने चंद एक सेकेंड आपके पास होते हैं इसको दोबारा से रीओपन करने के लिए तो आपने स्क्रीन क्लिपिंग पे आना है इसको फौरन से ओपन करना है जब ये डिम हो जाए पिक्चर आपकी तो आपने उस एरिए को सेलेक्ट करना है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं जैसे ये वाला हिस्सा तो जैसे हम इसको कैप्चर किया तो ये देखिए हमारे पास ये बड़ी आसानी के साथ देखें कैप्चर होकर पेज पर आ चुका है और उसको हम कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और प्रोग्राम के साथ इसको कैप्चर करना है जैसे फ़र्श कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है एक्सल तो एम एस एक्सन को मैंने यहाँ से ओपन किया इसको मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है इसको मैंने एक्टिव किया हुआ है अब इस पूरी स्क्रीन को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम को इसी तरह से ओपन करके रखना है फिर अपना इस पर आएंगे हम वर्ड के अंदर आएंगे वर्ड पे आने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है स्क्रीनशॉट पे आएंगे उसके बाद आपने यहाँ देखिए आपके पास जो जो प्रोग्राम्स आपके इसकी बिहाइंड इसके पीछे जो ओपन है वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया एक्सेल के ऊपर देखें एक्सेल की पूरी शीट कैप्चर होकर पेज पर आ चुकी है और बाकी ये तमाम कमांड वही की वही हैं जो हम पिक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर सिक्स में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे हम आते हैं और यहाँ पे इसको हम रिसाइज़ भी कर सकते हैं तो ये था हमारा लेक्चर डे एट का जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और डे नाइन में आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम इंसर्ट पे हम आते हैं इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इसमें लिंक के बारे में और उसके बाद बुक मार्क के बारे में कमेंट्स के बारे में हेड एंड फुटर के बारे में पेज नंबर के बारे में तो लिंक किस तरह से इंसर्ट करना है आपने आपने लिंक पे आना है लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट फोल्डर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो रिसेंटली हमने जो भी फाइलें सेव की होती हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आपको ये फाइल नजर आ रही है चाहे पावर पॉइंट की हैं वर्ड की हैं हैंक्सल की हैं जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे लिंक क्रिएट हो चुका है अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखें हमने जैसे क्लिक किया तो ये फ़ाइल आपके पास आसानी के साथ ओपन हो गई है और उसके बाद अगर फ़र्ज कीजिए कि आपने यहाँ पे कोई डाटा राइट किया हुआ है जैसे मैं इज इक्वल टू तो राइट करता हूँ मैंने रैंड लिखा ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं और उसके बाद हम इस लाइन के ऊपर कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हैं इसे लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस लाइन को सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद आपने लिंक पे आना है और यहाँ से आपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है जैसे मेरे पास इंसर्ट पिक्चर है उसके बाद ओके कि क्लिक करते हैं देखें वही डाटा आपका लिंक में कन्वर्ट हो चुका है कंटोसा जैसे क्लिक करेंगे तो यही लिंक आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे बुक के बारे में कि फर्स्ट कीजिए कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और कुछ पॉइंट्स को कुछ ऐसा डाटा है जो जिसे मैंने बार बार रीड करना होता है या जिसको मैंने एडिट करना है तो मैं उसको बुक करना चाहता हूँ ताकि उसको दोबारा वहाँ पर जाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए हम बुक मार्क पर आते हैं और उसके बाद हमने लोकेशन को बुक मार्क करना है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे फर्स्ट कीजिए मैंने इसे नाम दे दिया लिंक का नाम मैंने दे दिया और मैंने इसे ऐड कर लिया और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी हूँ मैं पेज नंबर टू पे हूँ थ्री पे हूँ मैंने अगर वहाँ पे जाना है तो मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है बुक मार्क के ऊपर आपने उसी फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे गो टू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसी लिंक के ऊपर जहाँ पे कसर आपका था जहाँ पे आपने बुक मार्क किया था आपका कसर वहीं पर पहुँच जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट मान हम पढ़ेंगे इसमें कमेंट्स के बारे में कि आपने यहाँ पे कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं किसी भी वर्ड के बारे में किसी भी लाइन के बारे में पैराग्राफ के बारे में आप कमेंट्स देना चाहते हैं तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना कमेंट्स दर्ज करेंगे जैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं प्लीज़ चेंज फॉर्मेटिंग तो यहाँ मैंने कमेंट्स ये वाला दे दिया और उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ कॉमेंट्स पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने कोई भी कॉमेंट्स दे दिया और उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं इसको रिप्लाई करना चाहते हैं रिसॉल्व करना चाहते हैं वो भी हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके आप डिलीट कॉमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो कॉमेंट्स आपका यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे हेड एंड फुटर कि अगर आप पेज पर पेज नंबर डेट एंड टाइम बुक का नाम या लोगो वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर प्रिंट हो तो आप हेड एंड फुटर में ऐड करेंगे तो आपने सबसे पहले हेडर पे क्लिक किया हेडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट्स ओपन हो रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे देखें पेज नंबर आ चुका है फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइटल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने इसे एम एस वर्ड टू का टाइटल दे दिया फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे हेड एंड फुटर के टैब के ऊपर और क्लोज़ हेड एंड फुटर पर क्लिक करेंगे फिर उस पर जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं नीचे जाएंगे तो आप देखें कि हर पेज के ऊपर पेज नंबर भी आ रहा है और साथ में टाइटल भी आ रहा है इसी तरह से अगर आप फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपना फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जैसे मैंने ये वाला कर लिया अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए मैंने फाल्कन एक्सेल अकेडमी का यहाँ पे दिया हुआ था एक टाइटल और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद मत से हम यहाँ पर कुछ और भी राइट कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया इंसर्ट टाइम और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज हेडर फोटो पर क्लिक करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपका देखिए हेडर भी अप्लाई हो रहा है और साथ में देखिए आपका फोटर भी अप्लाई हो रहा है अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने हेडर पे आना है और यहाँ पे रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर रिमूव हो जाएगा अगर रिमूव पे क्लिक करके फुटर पे रिमूव पे क्लिक करते हैं तो आपका ये रिमूव फुटर भी हो जाएगा उसके अलावा इसमें कुछ कमांड्स और भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैं ज़रूर आपको पढ़ाना चाहूँगा कि अगर हम कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं या इसमें मज़दीद कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इसमें आएंगे हम अपनी मर्जी का यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे फ़र्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो इसके लिए मैं इंसर्ट पे आता हूँ मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे आना है और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे बल्कि बाहर हम क्लिक करते हैं पिक्चर पे आएंगे दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का जो भी लोगो हमारे पास होगा उसको हमने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद पोजिशन पर आते हैं यहाँ पर उसके बाद पोजीशन आप इसकी राइट की तरफ बेश कर लीजिएगा या फिर आप रैप पे रैप टैक्स पर क्लिक करके इसको आप इन फ्रंट ऑफ टैक्स भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको आपने इस तरह से रिसाइज़ करना है रिसाइज़ करने के बाद फिर आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये आपका लोगो यहाँ पे नज़र आए हर पेज के ऊपर और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बाहर क्लिक किया या फिर हेड एंड फुटर पे क्लिक करते हैं क्लोज़ हेड एंड फुटर पे क्लिक करना है अब जैसे एंटर प्रेस करते हैं हम नीचे जाएंगे तो हर पेज के ऊपर ये आपका लोगो भी यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा पेज नंबर के साथ साथ अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो दोबारा आपने यहीं पर आना है इंसर्ट पर आप आएंगे उसी के बाद फिर आपने हेडर पर आना है अगर हैडर है तो हैडर पे आएंगे अगर फुटर है तो फुटर पे आएंगे और रिमूव एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वार हम पढ़ेंगे कि हम सिर्फ पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पे कोई लोगो नहीं देना चाहते यहाँ पे कोई और अप्लाई नहीं करना चाहते हम सिर्फ पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप पेज नंबर पे आ जाएं फिर आपने टॉप या बॉटम पे आना है तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें जैसे मैंने फॉर्मेट ये वाला सेलेक्ट किया और उसके बाद हम क्लोज पे क्लिक करते हैं जैसे एंटर प्रेस करते हैं नीचे जाएंगे तो हर पेज के ऊपर आप देखें पे नंबर यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हमने दोबारा इंसर्ट पर आना है पेज नंबर पर आएंगे उसके बाद फॉर्मेट पे नंबर पर आएंगे अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर का फॉर्मेट है वो अल्फाबेटिक में आए या रोमन में आए तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन के आपका जो पेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो हम कहते हैं हमारा पेज जो है वो पेज नंबर थ्री से स्टार्ट हो यानी कि फर्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर थ्री प्रिंट होना चाहिए और ओके क्लिक करते हैं तो अगर हम फर्स्ट पेज पर पे जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पहले पेज के ऊपर आप देख रहे हैं कि पेज वन ऑफ थ्री के ऊपर हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर थ्री से ये स्टार्टिंग हो रही है अब जितने भी हम पेजेस बनाएंगे उसमें पेज नंबर वन पे पेज नंबर पे, पे थ्री प्रिंट होगा और बाकी तमाम पेज पे वो तरतीब वैसे आती जाएगी अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो पेज नंबर पे आते हैं उसके बाद आपने रिमूव पेज नंबर पे आना है पेज नंबर आपका रिमूव भी हो जाएगा तो ये था डे नाइन का लेक्चर जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है डे नाइन में आपने आज जो पढ़ा है उसमें आपने लिंक के बारे में पढ़ा है आपने उसके बाद बुक मार्क के बारे में पढ़ा है कमेंट्स के बारे में हेड एंड फुटर और पेज नंबर के बारे में आपने पढ़ा है और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और डे टेन में हम पढ़ने वाले हैं इसमें टेक्स्ट ग्रुप के बारे में और सिंबल्स ग्रुप्स के बारे में जिसमें हम टैक्सट बॉक्स पढ़ेंगे क्विक पार्ट्स के बारे में वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप सिग्नेचर लाइन डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंबल्स तो टैक्सट बॉक्स हमने कैसे इंसर्ट करना है टैक्सट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद आपने टैक्सट बॉक्स पे आना है यहाँ से आपने टैक्सट बॉक्स पहले से बने बनाए भी आप इंसर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है फिर उसके बाद यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करके आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी डाटा करना चाहे वो बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स वर्टिकल शेप में भी होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप में भी हैं और उसके बाद आप कस्टम शेप के अंदर भी आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप इंसर्ट पे आते हैं इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे आपने आना है ड्रॉ टैक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हेडिंग वगैरह बनाने के लिए भी इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा ऑफिस मैनेजमेंट आपने इस तहरीक को सेलेक्ट किया होम पे आते हैं सेंटर में क्लिक करते हैं इसका साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं फेस पर शेप फॉर्मेट पे आते हैं ये तमाम कमांड ऑटो शेप वाली है यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसको बोल्ड या अटैलिक भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए और किसी भी तस्वीर पे या कहीं पर किसी भी ऐसी जगह डाटा राइट करना हो जहाँ पे आम तौर पे आपका कसर वहाँ पे नहीं एडजस्ट uh, हो सकता या अगर आप किसी पिक्चर पे या किसी भी शेप के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई डाटा राइट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांट्स में आ रही है क्विक पार्ट्स क्विक पार्ट्स में हम बात करेंगे इसमें ऑटो टैक्स के बारे में कि आपने ऑटो टैक्स किस तरह से क्रिएट करना है जैसे हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इस तहरी को मैं डिलीट कर देता हूँ अब फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद मैंने कर लिया आर वाई के और उसके बाद इस तहरी को हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हम यहाँ पर इसमें आते हैं टैक्स के ऊपर और उसके बाद अपने इसमें सॉरी क्विक पार्ट्स पे आपने आना है ऑटो टैक्स पे आप आएंगे उसके बाद सेव सेलेक्शन टू ऑटो टैक्स गैलरी पे क्लिक करेंगे और इसको आपने ओके कर देना है अब आइंदा जब भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे फालकन तो ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये यह हाईलाइट हो रहा है ऑटो टैक्स जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये यह ऐड हो जाएगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी अपने इदारे का नाम लिखने की अपनी कंपनी का नाम लिखने की तो इस तरह से आप उसे ऐड करेंगे जैसे चाँद एक लेटर पहले टाइप करेंगे तो आपके पास ऊपर ये हाईलाइट हो जाएगा एंटर प्रेस करने से यहाँ पे ये ऐड भी हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स पे आते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई डाटा यहाँ पर ऐड किया हुआ है जिस तरह ऑथर नेम है कैटेगरी है या उसके बाद यहाँ पर कंपनी ई मेल एड्रेस वगैरह आपने ऐड किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई डाटा यहाँ पे राइट किया इज इक्वल टू लिखा मैंने रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट शुरू और एंटर प्रेस करते हैं अब यहाँ मैंने यहाँ पे अब ईमेल एड्रेस देना था ईमेल एड्रेस मुझे अब याद नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे जगह अगर छोड़ना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने क्विक पार्ट्स पे आना है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी ई मेल क्लिक करते हैं अब जैसे कंपनी ई आपको पता चले तो आप यहाँ पर इसमें टाइप कर सकते हैं एफ सी आर वाई के तो इस तरह से हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पार्ड हम बात करेंगे इसमें वर्ड आर्ट के बारे में कि अगर आप कोई टाइटल वगैरह देना चाहते हैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं किसी पिक्चर के ऊपर किसी शेप के ऊपर तो आप वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं अगर आपने कोई सर्टिफिकेट क्रिएट करना है कोई मेन हेडिंग राइट करनी है तब भी हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप कर लिया फर्स्ट कीजिए कि एम एस वर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कर लिया और उसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं और होम पे क्लिक करके आप इसका फाउंड स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फाउंड स्टाइल हैं जो जो फाउंड स्टाइल अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वर्ड आर्ट के ज़रिए फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इसमें ड्रॉप कैप के बारे में कि अगर आप ओपन फाइल के अंदर किसी भी पैराग्राफ में फ़र्स्ट लाइन के फ़र्स्ट वर्ड के फ़र्स्ट लेटर को अगर आप कैपिटल लिखना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं मैं कंट्रोल ए और इसको मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं ताकि सारा डाटा डिलीट हो जाए फिर इसके बाद हम यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं रैन टाइप करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे वन पैराग्राफ कर लेते हैं और उसके बाद फिफ्टीन लाइन करते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब उसके बाद हमने ड्रॉप कैप यहाँ पे अप्लाई करना है तो हमारे पास ये पहली लाइन है और उसमें पहला लेटर वीडियो है और पहला वर्ड जो वीडियो है उसके बाद पहला लेटर जो हमारे पास है वी है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप पे आएंगे उसके बाद देखिए ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी जो आपका जो पैराग्राफ था इसकी पहली लाइन के पहले वर्ड के पहले लेटर को यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया गया है अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो आपने इसके लिए क्या करना है ड्रॉप कैप पे आना है ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने ड्रॉप पे क्लिक करना है लाइन टू टॉप में लाइन की तदाद आप दर्ज करें और ओके पे क्लिक करें तो ये सिक्स लाइन के इक्वल हो जाएगा अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप पे आते हैं नॉन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये रिमूव भी हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं सिग्नेचर लाइन कि अगर आपने डॉक्यूमेंट के एंड में कहीं पे सिग्नेचर लाइन अगर आपने इंसर्ट करनी है तो आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने शख्स का नाम लिखना है जिसके आप साइन लेना चाह रहे हैं जिस तरह मैंने अपना नाम टाइप किया केवल वी जे एंड सजिस्टर्ड सैंडर फॉर टाइटल यहाँ पर आपने टाइटल दर्ज करना है जैसे मैं यहाँ पर सी ए हूँ और उसके बाद अपना ई एड्रेस है तो वो भी आप टाइप करें एंड ओके क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर लाइन भी इंसर्ट हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें डेट एंड टाइम के बारे में कि डेट एंड टाइम हमने किस तरह से पेज पर इंसर्ट करनी है तो जहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं आप कसर को वहाँ पे लेके आए फिर इसके बाद आपने डेट एंड टाइम पे आना है आपने अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपका कसर था वहीं पर यह डेट एंड टाइम आपकी इंसर्ट हो चुकी है हम यहां पे एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद हमने दोबारा यहां पे डेट एंड टाइम पे आना है यहां पे डेट एंड टाइम को हम सेलेक्ट करते हैं। रोके क्लिक करते हैं। तो यहां पर भी ये डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट हो चुका है हमारा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कि आप यहां पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए आप एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वर्ड का प्रोग्राम है हम चाहते हैं वर्ड में रहते हुए हम एक्सेल का, का काम भी कर सकें और उसके या एक्सेल में रहते हुए वर्ड का, का काम कर सकें या वर्ड में रहते हुए पावर पॉइंट को हम ओपन कर सकें तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले कसर को वहाँ लेके आएंगे आएँगे जहाँ पर हम यहाँ पर एक्सेल की शीट लाना चाहते हैं या पावर पॉइंट की स्लाइड लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट पर आना है ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑब्जेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद स्क्रोलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ़ आते हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वर्कशीट पर आप क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट आपकी यहीं वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी प्रोग्राम तो हमारे पास वर्ड का है मगर आपकी इसी एक फ़ाइल में आपके पास एक्सेल की शीट इंसर्ट हो चुकी है अब जो भी आप काम एक्सेल में करते हैं वो यहाँ पर भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं फ़र्क यह है कि इसके लिए आपको अलग से एक्सेल ओपन नहीं करना पड़ा बल्कि आप वर्ड में रहते हुए आपने एक्सेल को इंसर्ट कर लिया और एक ही पेज के ऊपर आपका एक्सेल का वर्क भी हो चुका है इस तरह से वर्ड का काम भी हो चुका है यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल एक्टिव हो जाएगा और बाहर क्लिक करने से ये वर्ड एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है बस यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कि अगर आपका डाटा वर्ड का अगर वर्ड की फाइल आपने कहीं और सेव की हुई है और उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो आप चाहते हैं कि वो डाटा वहाँ भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए यानी किसी भी सेव फाइल का डाटा हम ओपन फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं बिना फ़ाइल को ओपन किए बिना कट किए बिना कॉपी किए हम चाहते हैं कि जो फाइल कहीं पे सेव है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो वहाँ भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए तो इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट पे आना है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जहाँ पर आपके पास फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं आप फर्स्ट कीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी हुई है मैंने यहाँ पे फ्लाय डिज़ाइन है मेरे पास या इसमें मेरे पास चेकलिस्ट है या उसके बाद देखिए या ईद कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ईद कार्ड के मेरे पास जो की थे जो टैग थे वो यहां मैंने इंसर्ट कर दिए और उसके बाद देखिए यहाँ दोबारा हम इसमें आते हैं टैक्स फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम एस वर्ड बुकलेट इसमें आ रहा है जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए बुकलेट के हवाले से जो कीवर्ड मैंने सर्च किए थे वो कहीं और पड़े थे वो यहाँ पर भी आ चुके हैं तो इस तरह से भी हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें संबल्स के बारे में कि अगर आपको कोई संबल चाहिए जैसे फ़र्श कीजिए कि आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का संबल इंसर्ट करना है क्रॉस का करना है चेक check, चेकलिस्ट के लिए आपने करना है कोई बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपने मोर संबल्स पे आना है मोर संबल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ फाउंड की कैटेगरी में आपने यहाँ पे इसमें आना है विंग डिंग्स के अंदर तो आपके बहुत सारे सब्बल्स आपको यहीं से मिल जाते हैं जैसे हमने यहाँ पर ये यह, कैंची के यहाँ पर हमने संबल इंसर्ट करना है इंसर्ट पर क्लिक करते हैं क्लोज करते हैं तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है और उसके बाद अगर आपने कोई और सिंबल यहाँ पे ऐड करना है तो फिर भी हम सिंबल्स पे आएंगे मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे विंग डिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके भी सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ सिंबल्स को इंसर्ट करके अपने काम को आसान कर सकते हैं तो ये डे टेन था डे टेन के अंदर आपने इन तमाम कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है डे अलेवन में हम बात करेंगे इसमें ड्रा टैप के बारे में कि ड्रॉ टैप के अंदर आपने किस तरह से इन पेन का यूज़ करना है रेजर का यूज़ आपने कैसे करना है उसके बाद ड्राइंग कैनवस हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं तो आपने ड्राइंग कैनवस पे आपने क्लिक करना है जिसके अंदर आपने ड्राइंग करनी है और उसके बाद ये हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होता है या उसके बाद जो भी आप यहाँ पे पेंसिल राइट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट इंक इसे कहते हैं और उसके बाद ये रेजर टूल है इसके ज़रिए आप जो भी ड्राइंग आप करते हैं अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं बाकी ये आपके पास यहाँ पे पेंस पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के जिनका इस्तेमाल करके आप ड्रॉइंग बना सकते हैं जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसका साइज़ यहाँ पर ले लिया फर्स्ट के मैंने साइज़ का ये वाला लिया उसके बाद यहाँ पे कलर हम देना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे अगर हम यहाँ पे कोई टेक्सचर वगैरह देना चाहते हैं तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद अब मैंने ये वाला ब्रश ले लिया उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के कर बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ भी राइट करना है जैसे मैंने फालकन यहाँ पे लिखा ये और आप यहाँ पे अगर आपकी ड्राॅइंग अच्छी है तो आप यहाँ पे कोई ड्राॅइंग भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट से कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से आप इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेट भी कर सकते हैं अलग अलग से और उसके बाद अगर आपने कोई मैथ की इक्वेशन वगैरह आपने ऐड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर इंक टू मैथ इसमें आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंक टू मैथ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर जो कुछ आप राइट करेंगे मैथ के वाले से वो वहाँ पर ऊपर आपका राइट right होता जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे ए की पावर टू है हमारे पास तो देखिए यहाँ पे ये यह आ गया है जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहीं पे आपका इंसर्ट हो जाएगा हम इसके आउटलाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर रहे हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये यह पावर आ चुकी है तो इस तरह से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें डिज़ाइन के बारे में और डिज़ाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बारे में कि आपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट आपने किस तरह से करना है जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट और उसके बाद इन पेज हमने राइट किया उसके बाद सेकंड कोर्स मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे ग्राफिक्स का तो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइप किया इसमें कोरल अडॉब और उसके बाद एलस्ट्रेटर और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद होम पे आते हैं और यहाँ पे हेडिंग वन आपने अप्लाई करनी है फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे भी हेडिंग बन कर लेते हैं अब इसका अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डिज़ाइन पे आना है और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं देखिए हमारे पास जैसे शर्त यह कि आपने हेडिंग को यहाँ पर पहले अप्लाई करना है और हेडिंग को अप्लाई करने के बाद ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से ये देखिए डिफरेंट टाइप के मेरे पास फॉर्मेट्स मौजूद हैं आपको जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर पसंद है वही फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद कलर्स हमारे पास है अपनी मर्जी का कोई भी कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के कलर्स पड़े हुए हैं फिर ये फाउंड स्टाइल हमारे पास है आप इनके फाउंड स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद ये पैराग्राफ स्पेसिंग है हमारे पास तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ स्पेसिंग टाइट बीच में रख सकते हैं इसके बाद इसमें हमने यहाँ पे ओपन भी रख सकते हैं उसके बाद रिलेक्स भी रख सकते हैं तो डिफरेंट टाइप की डबल लाइन भी टाइप स्पेसिंग दे सकते हैं और नो पैराग्राफ स्पेस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें वाटरमार्क के बारे में कि अगर आप पेज के दरम्यान में किसी कंपनी का नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस वेबसाइट या कोई लोगो वगैरह आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो लाइट सा मध्यम सा हर पेज पर प्रिंट होता रहे तो उसके लिए आपने क्या करना है वाटर मार्क पर आना है एक बने बने वाटर मार्क आपके पास होते हैं जिसमें देखिए लिखा रहा है डू नॉट कॉपी ड्राफ्ट या सैम्पल्स वगैरह अगर आप खुद से देना चाहते हैं तो आपने कस्टम वाटर मार्क पर आना है और फिर इसके बाद आपने पिक्चर वाटर मार्क पर आना है फिर इसके बाद आपने सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं ये वाली पिक्चर वाटरमार्क के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ अगर आपके पास लोगो है तो लोगो इंसर्ट कर लें और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके देखें पिक्चर यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है अब ये एक पेज पर नहीं आने वाले जितने भी पेजेस होंगे उन सब के ऊपर ये पिक्चर आपकी प्रिंट होती जाएगी अब जैसे की बोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर पिक्चर आपको नज़र आ रही है पे नंबर थ्री पे नंबर टू और पे नंबर वन हमारे पास है अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसी के लिए दोबारा आप इसमें डिज़ाइन पे आएंगे आपने वाटरमार्क पे आना है उसके बाद रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करें वाटरमार्क आपका रिमूव भी हो जाएगा और अगर आप कोई टैक्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो आपने वाटरमार्क पे आना है उसके बाद कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे फिर टेक्स्ट वाटरमार्क पे आपने आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है वाटरमार्क में लिखा जाने वाला टेक्स्ट जैसे डब्ल्यू मैंने लिखा अप्लाई पे क्लिक करते हैं क्लोज़ करते हैं तो ये देखें जैसे हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे जा रहे हैं तो हर पेज के ऊपर ये आपका वाटर मार्क यहाँ पे आ रहा है अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वाटर मार्क पर आएंगे और रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे तो वाटर मार्क आपका रिमूव भी हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें पेज कलर के बारे में कि पेज का कलर अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इसी का क्लिक करेंगे तो पेज का कलर भी अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिल फिलफेक्ट्स पे आते हैं अगर कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टू कलर्स या वन कलर्स का आप यहाँ पे टेक्सचर पैटर्न वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं अब जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कलर प्रिंट हो रहा है मगर आपके पास प्रिंट नहीं होगा इसके लिए आपने क्या करना है अगर आप भी चाहते हैं कि ये प्रिंट होना चाहिए तो आप फाइल पर आए और उसके बाद आपने ऑप्शन पर आना है ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने डिस्प्ले पर आना डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज़ पे आपने क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई किया कलर टेक्सचर या पैटर्न आपका प्रिंट होता जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पेज बॉर्डर के बारे में कि पेज बॉर्डर आपने किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कुछ भी हम राइट कर लेते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे इसको नो कलर कर देते हैं अब जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक किया तो पहली कमांड जो इसमें आ रही है वो बॉर्डर्स की आ रही है तो बॉर्डर्स में ये है कि आप यहाँ पे अगर फ़र्ज कीजिए कि आपने सिर्फ तहरी पे बॉर्डर अप्लाई करना है सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइट करें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट और उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी स्पेसिंग इसमें बढ़ा देते हैं यहाँ क्लिक करते हैं डबल स्पेस में कर लेते हैं आपने इसको सेलेक्ट करना है पेज बॉर्डर पर आपने आना है बॉर्डर्स पर हम क्लिक करते हैं और लाइन स्टाइल को हम सेलेक्ट करते हैं लाइन को हमने यहाँ पे कलर देना है लाइन को हम यहाँ पे साइज देंगे और उसके बाद अप्लाई टू टैक्स पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास सिर्फ टैक्स के ऊपर ही बॉर्डर आपका अप्लाई हुआ है अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे पेज बॉर्डर पे आएंगे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है नॉन पे क्लिक करेंगे जो तो आपका रिमूव भी हो जाएगा अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर जितना हमारा टेक्स्ट है इसी के ऊपर आ जाए यानी पैराग्राफ का बॉर्डर अप्लाई तो करना चाहते हैं तो आपने पेज बॉर्डर पे आना है और उसके बाद हम बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं फिर हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने लाइन स्टाइल आपने यहाँ पे देना है लाइन स्टाइल देने के बाद लाइन को आपने यहाँ पे कलर देना है फिर उसके बाद यहाँ पे हम साइज़ देंगे और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पूरे पैराग्राफ पे ये बॉर्डर अप्लाई हुआ है रिमूव करने के लिए आपने पेज बॉर्डर पे आना है फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करना है नॉन पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे आपका रिमूव भी हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हम पेज बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं कि पूरे पेज के ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए हम पेज बॉर्डर पे आते हैं और उसके बाद आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है अगर आपने सिंगल लाइन वाला बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इसको हम यहाँ पर कलर देते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो ये आपके मुकम्मल पेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है पेनो वन पे टू पे थ्री पे जितने पेजेस आप बनाते जाएंगे इन सब पर अप्लाई हो जाएगा अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहां पे नॉन पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें आपका रिमूव भी हो जाएगा अगर आपने कुछ स्टाइलिश बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए हम पेज बॉर्डर पे आएंगे पेज बॉर्डर पे आने के बाद आपने यहां पे आर्ट पे आना है आर्ट पे आने के बाद यहां से आपने स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद हम यहां पर इसको कलर देते हैं और ओके क्लिक करेंगे और ये देखें इस तरह के बॉर्डर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और इजिली इस इसको प्रिंट भी कर सकते हैं रिमूव करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पे आना है नॉन पे क्लिक करना है आपका रिमूव हो जाएगा और उसके साथ नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो शेडिंग की आ रही है कि आपने शेड किस तरह देना है जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पर इसमें आते हैं मैंने यहाँ पर राइट कर लिया मैंने एक टाइटल लिखा है यहाँ पर फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी एंटरप्राइज करते हैं नीचे हम टाइप कर लेते हैं ऑफिस वर्क कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे आते हैं इसको हम सेंटर में लेके आते हैं इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे शेड अप्लाई करने हैं हमने तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिज़ाइन पे आना है पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने शेडिंग पे आना है और यहाँ से अपनी मर्जी की आप कोई भी शेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया नो कलर पे और उसके बाद यहाँ पे कलर हम सेलेक्ट करते हैं ओके पर क्लिक करते हैं तो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा अब हमने डबल स्पेस यहाँ पे अप्लाई की हुई थी इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं नो स्पेस कर लेते हैं ये देखिए आपके पास सेटिंग इस तरह से हो जाएगी यानी आप अपनी हेडिंग को शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये डे अलेवन का लेक्चर था जिसमें डे अलेवन में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और डे ट्वेल्व में हम बात करेंगे लेआउट के बारे में हम लेआउट पे क्लिक करते हैं और उसमें हम बात करेंगे पेज सेटअप ग्रुप के बारे में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और अरेंज ग्रुप के बारे में तो उसमें सबसे पहले जो कमांड इसमें आ रही है वो मार्जिन की आ रही है तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइल पे आते हैं न्यू पे क्लिक करते हैं और आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है और फिर उसके बाद हम आते हैं पेज सेटअप के ग्रुप में आप कोई भी काम शुरू करते हैं एमएस वर्ड के अंदर तो सबसे पहले आपको पेज सेटअप ही करना पड़ता है यानी आपको लेआउट में सबसे पहले आना पड़ता है ताकि आप पेज को साइज़ दे सकें मार्जिन दे सकें ऑरेंटेशन दर्ज कर सकें स्पेसिंग सेट कर सकें तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मार्जिन के बारे में बात करते हैं अगर आप कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो ब्लैंक पेज पे है यानी आपका लेटर पैड है या स्टाम्प पेपर है कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है जो पेज के ऊपर ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड हो अगर आप उस पर कंपोजिंग करना चाहते हैं उसके लिए आप कस्टम मार्जिन देते हैं अगर आपके पास कोई भी डाटा कंपोज नहीं है वाइट पेज पर पे आपने प्रिंट करना है वन पेज की कंपोजिंग करनी है तो आपने यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन ले सकते हैं यानी चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट की तरफ जो स्पेसिंग आपने देनी है जो हाशिया आपने देना है वो वन वन का देना है अगर आप कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं तो आपने मार्जिन पर आना है फिर कस्टम मार्जिन पर हम क्लिक करते हैं उसके बाद आपने मार्जिन पर आकर यहाँ पर अपनी मर्जी से जितना स्पेस आप ऊपर से छोड़ना चाहते हैं जैसे हम तीन इंच की गैप ऊपर से देना चाहते हैं तो आपने जैसे ओके क्लिक किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे जैसे हम डाटा राइट कर रहे हैं तो ये ऊपर से हमारे पास जो स्पेस आ रही है मार्जिन में जा रहा है यानी इस हिस्से के अंदर डाटा आपका राइट नहीं होगा मार्जिन पे आते हैं फिलहाल इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं फिर इसके बाद ऑरिएटेशन पर आते हैं पेज की दो टाइप्स होती हैं या तो पेज पोर्ट्रेट में होता है या फिर होता है ये लैंडस्केप में तो इस तरह से आप इसे पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं तो कंट्रोल के साथ जैसे मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ माउस का बटन ये प्रेस कर रहा हूँ थ्री डी व्हील तो आपकी इस जूम इन या जूमआउट हम इसको कर सकते हैं माउस बटन के जरिए भी फिर इसके बाद नेक्स्ट कमाण इसमें आ रही है पेपर साइज़ तो इंटरनेशनल पेपर साइज़ तीन तरह के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जिसमें लेटर साइज़ है लीगल है ए फोर साइज़ है तो यहाँ पे हम साइज़ पे आते हैं लेटर साइज़ भी हम कर सकते हैं लीगल भी हम कर सकते हैं और उसके बाद ए फोर साइज़ भी जरूरत के मुताबिक हम कर सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ऑफ़िस के अंदर वो ए साइज़ का ही यूज़ करते हैं अगर आप कस्टम साइज़ देना चाहते हैं जिस तरह आप बर्थडे कार्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं इन्विटेशन कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं ईद कार्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने साइज़ पे आना है और उसके बाद मोर पेपर साइज पे आप क्लिक करेंगे मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पेपर को साइज़ देना है जैसे मैंने दे दिया सेवन बाय थ्री तो सेवन बाय थ्री का मैंने यहाँ पर पेपर साइज़ दिया और फिर इसके तो मार्जिन यहाँ पे दर्ज करते हैं पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन और पॉइंट वन दे दिया और उसके बाद हम ओके क्लिक करते हैं तो आपका ये मार्जिन के साथ पेज सेटअप हो चुका है तो ऐसे भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं तो फिलहाल हम यहाँ पेपर साइज़ ले रहे हैं ए फोर साइज़ और मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे नॉर्मल उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो बस कॉलम्स आ रही है कि आप पेज को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कॉलम पे आना है यहाँ पे अपने पेज को आप टू कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं थ्री में भी कर सकते हैं लेफ्ट कॉलम एंड राइट पैराग्राफ कर सकते हैं राइट कॉलम एंड लेफ्ट पैराग्राफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो फिलहाल हम थ्री कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आप देखें यहाँ पे रूलर में आपको नज़र आ रहा है कि कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री अब देखिए जब तक हम यहाँ पे पहला कॉलम कंप्लीट नहीं करते जैसे मैंने रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज कर लिया एंटर किया तो जैसे पहला कॉलम कंप्लीट हुआ तो आप सेकंड कॉलम में चले गए इस तरह जब तक आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप थर्ड कॉलम में नहीं जा सकते तो अगर आप थर्ड कॉलम में जाना भी चाहते हैं तो आप ब्रेक और कॉलम ब्रेक का यूज़ करेंगे ताकि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकें या तो पहला कॉलम कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे या फिर आप कॉलम ब्रेक का यूज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप कॉलम्स के दरमियान लाइन्स वगैरह देना चाहते हैं कॉलम की तादाद कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने कॉलम पे आना है मोर कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें टू कॉलम थ्री कॉलम और उसके बाद कॉलम तथा यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से कम भी कर सकते हैं और उसके बाद लाइन बिटवीन पे क्लिक करके जैसे मौके पर क्लिक करते हैं तो आप एक कॉलम से जब दूसरे कॉलम में जाएंगे तो दरमियान में एक लाइन आपके पास आएगी इससे ये पता चलेगा कि आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा चुके हैं उसके बाद कॉलम को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो अपने कॉलम पे आना है वन कॉलम पे क्लिक करें दोबारा वन कॉलम में वापस आ जाएंगे और फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें ब्रेक के बारे में कि अगर आप यहां पे कॉलम ब्रेक तो हम दे चुके हैं अगर हम पेज ब्रेक देना चाहते हैं जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ब्रेक पे आना है और उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाते हैं और अगर आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है लाइन नंबर्स कि आप यहां पे लाइन के नंबर यहां पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने कंटिन्यूस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने जितनी बार एंटर प्रेस किया है जितनी लाइनें आपकी यहाँ पे इसमें आ रही हैं उनके ऊपर नंबरिंग ऑटोमेटिक आपकी अप्लाई होती जाएगी जैसे मैं एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ तो लाइनें यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि मेरे इतनी लाइन्स हो चुकी हैं अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नॉन पे क्लिक करेंगे तो लाइन्स आपकी रिमूव भी हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें हमारे पास यहाँ पे हैफिनेशन आ रही है कि अक्सर हम यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ वगैरह राइट कर रहे होते हैं जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी राइट कर लिया इस तरह से डाटा राइट करने के बाद कुछ भी हम राइट कर रहे थे एंड में मैं एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटरनेशनल तो देखिए जैसे मैंने इंटरनेशनल यहाँ पे राइट किया तो वर्ड मेरे पास यहाँ पे नीचे आ गया अब यहाँ पे इतना गैप मेरे पास है तो मैं चाहता हूँ कि जितने लेटर्स ऊपर आने थे उतने ऊपर ही रहें और बाकी लेटर्स यहाँ पे नीचे आ जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हेफिनेशन है पे आएंगे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे अब जितने लेटर ऊपर आने थे उतने ऊपर हैं और बाकी सामने आपके देखें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक छोटी सी डैश यहाँ पे लग चुकी है इसका मतलब यह है कि वर्ड अभी कंटिन्यू है वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो इस तरह से आपने कोई बुक कंपोज करनी है कोई आर्टिकल आपने लिखना है तो आपने की कमांड को ऑन रखना है फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड पास यहाँ पे इंडेंट के बारे में बात करेंगे कि फ़र्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे डाटा राइट कर लिया लॉर अमरिका ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं अब इस पैराग्राफ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस पैराग्राफ को आगे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इस पैराग्राफ को यहाँ पे पीछे भी लेके आ सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए यहाँ पर हम दे सकते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जो स्पेसिंग है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग को बढ़ाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये टॉप की स्पेसिंग है जो ऊपर से आ रही है हमारे पास और उसके बाद यहाँ पे कम करना चाहते हैं इसे कम भी कर सकते हैं ज़ीरो कर लेते हैं और उसके बाद ये जो हमारे पास में आ रही है आफ़्टर स्पेसिंग है लाइन के नीचे स्पेसिंग इसमें आ रही थी तो यहाँ पर हम स्पेसिंग को ख़त्म भी कर सकते हैं और उसके बाद बाकी जो हमारे पास ये अरेंज का ग्रुप जो है इसके अंदर जितनी भी कमांड थी हम दो तीन मरतबा ऑलरेडी पहले लेक्चर नंबर सिक्स में सेवन में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमने यहाँ पे शेप इंसर्ट की थी या पिक्चर इंसर्ट की थी तो उनके अंदर यही कमांड मौजूद थी तो इसलिए इनको यहाँ पे दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आप लेक्चर नंबर सिक्स और सेवन को रिवाइज करके इन्हें कमांड को दोबारा देख सकते हैं यह था डे ट्वेल्व का लेक्चर जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और आगे हम बात करेंगे डे थर्टीन में रेफरेंसेस टैब के बारे में किसमें आज पढ़ने वाले हैं इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज आपने किस तरह से करना है अगर आप कोई थीसिस कंपोज करते हैं आप बुक कंपोज करते हैं आप कोई इस तरह का मवा इस तरह का डाटा कंपोज कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स है और आप चाहते हैं कि इसमें हेडिंग्स भी आनी चाहिए साथ उसका पेज नंबर भी आना चाहिए तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं इस तैयारी को डिलीट कर रहा हूँ की से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं इसको डिलीट करते हैं तो पहले पेज को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए खाली छोड़ देते हैं तो इसके लिए हम लेआउट पर आएंगे ब्रेक पे आते हैं और उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे और यहाँ पे एक हेडिंग हम टाइप कर लेंगे फर्जी हेडिंग हम यहाँ पे कुछ भी कर लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एम एस वर्ड एम एस वर्ड टाइप करने के बाद मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्जी डाटा टाइट कर लिया रैंड इज़ इक्वल टू और एंटर कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग ये एम एस वर्ड वाली हो गई तो यहाँ पे हेडिंग हमने क्या करनी है इसको हेडिंग अप्लाई भी करनी है जैसे आप यहाँ पास ये हेडिंग है तो आप इसको सेलेक्ट करें होम पर आते और यहाँ पर हैडिंग वन अप्लाई करनी है जब तक आप हेडिंग वन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट नहीं कर सकते फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और हेडिंग यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम एस एक्सएल तो फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी हैडिंग वन कर दी इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंटर प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एम एस पावर पॉइंट और उसके बाद फिर मैंने इस तहरीक को सेलेक्ट किया यहाँ पे भी मैंने हेडिंग वन अप्लाई कर ली फेसकत यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपने लेआउट पे आना है ब्रेक पे आना है पेज ब्रेक पे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हम यहाँ पे एक हेडिंग अप्लाई कर रहे हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स का कोर्स है और उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं इज इक्वल टू और यहाँ पर लिख लेते हैं लॉरिंग ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं और यहाँ पर ग्राफिक्स को आप सेलेक्ट करें होम पे आप आ जाएँ और यहाँ पर हैडिंग वन अप्लाई कर लें अब आपके पास यहाँ पर फोर हैडिंग्स हैं और हम पेज नंबर वन पे आते हैं इस तरह से स्क्रोलिंग करते हुए और यहाँ पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद फिर आपने रेफ्रेंसेस पर आना है और उसके बाद टेबल ऑफ़ कंटेंट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपने जो फर्स्ट इसमें आ रहा है ऑटोमेटिक टेबल आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देखें कितनी आसानी के साथ यहाँ पे देखें आपके डाटा को तरतीब दे दिया गया है जैसे कंटेंट्स में हम एम वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड पेज नंबर टू पे है एम एस एक्सल भी पेज नंबर टू पे है एम एस पावर पॉइंट भी पेज नंबर टू पे है ग्राफिक्स जो पेज नंबर थ्री पे है अगर इनमें से आप किसी भी हेडिंग पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें कंट्रोल के साथ आपने कंट्रोल के साथ किसी भी हेडिंग पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे चले जाएंगे फिर कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो पेज नंबर वन पे आते हैं और कंट्रोल साथ जैसे हमने एम एस एक्सल पर क्लिक किया तो हम यहाँ पे जा सकते हैं फिर कंट्रोल होम प्रेस करते हैं और उसके बाद एम एस वर्ड पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एम एस वर्ड पर भी आप जा सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्क्रोलिंग करते हुए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे एक और हेडिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑटो कैड अब मैंने एक और हेडिंग का इजाफा कर दिया यहाँ पे और उसके बाद ये भी हेडिंग वन ही होगी हमारे लिए हम होम पे आते हैं और हेडिंग वन सेलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे ऑटो कैड नहीं आ रहा तो ऑटो कैड कैसे आएगा आपने रेफ्रेंस पे आना है फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पर और उसके बाद अपडेट इंटायर टेबल पे आप क्लिक करें और ओके क्लिक करें तो ये देखिए ऑटो कैड भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है तो इस तरह से आप टेबल ऑफ़ कंटेंट्स का यूज़ करके अपने काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं बजाय इसके कि आप हर पेज पे जाएँ वहां पर हेडिंग नोट करें फिर इसके बाद पेज नंबर लिखें फिर इसके बाद टाइटल लिखें तो इस तरह से काफ़ी काम घंटों यहाँ पे लग सकते हैं आपके तो ये काम चंद क्लिक की मदद से भी कर सकते हैं टेबल ऑफ़ कंटेंट्स की मदद से और उसके साथ फिर आगे हम पढ़ेंगे इसमें मेलिंग के बारे में कि आपने मेल मर्ज का यूज़ किस तरह से करना है रेफरेंस के अंदर सिर्फ आपने टेबल ऑफ़ कंटेंट्स की प्रैक्टिस करनी है कुछ कमांड ऐसी हैं जो एडवांस की है और एडवांस के लिए मैं एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें एम एस वर्ड की जो बेहतरीन uh, एडवांस की टेक्निक्स हैं जो एडवांस की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं उस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा तो इसमें आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें मेलिंग के बारे में तो मेलिंग में हमने बात करनी है इसमें मेल मर्ज के बारे में कि अगर आप कहीं पे भी टेस्ट और इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें अगर टॉप टेन क्वेश्चन हम निकालें एम एस वर्ड के बारे में तो इसमें दो क्वेश्चन ये लाजमन पूछे जाते हैं एक मेल मर्ज के बारे में दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बनाना तो आपने सीख लिया है अब आप सीखने जा रहे हैं मेल मर्ज के बारे में कि मेल मर्ज आपने किस तरह से अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं मैं फाइल पे आता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं इस तरह से न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे मेलिंग के ऊपर और हम बात करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में मेल मर्ज होता क्या है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन है कोई इनविटेशन है कोई भी ऐसा डाटा है जो आप मुख्तलफ़ नेम पते और एड्रेस से प्रिंट करना चाहते हैं नोटिफिकेशन एक ही रहेगा उसका नाम पता टाइटल और उसके बाद उसका सब्जेक्ट जो है ना वो चेंज हो सकता है तो हम ये चाहते हैं कि हम एक ही लेटर को एक ही नोटिस को हम मुख्तलफ़ नामों से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे आना है उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे हम क्लिक करेंगे आपके सामने राइट right की तरफ यहाँ पे मेल मर्ज का ये पैनल ओपन होगा अब उसके बाद आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं हम लेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट या उसके अलावा कोई और फाइल अगर पर सेव है तो वो भी आप ले सकते हैं तो यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट रिस्पियंस में से यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट इसमें आ रही है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट या टाइप एड न्यू लिस्ट तो हमारे पास अगर पहले से नामों की लिस्ट बनी हुई है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम टाइप न्यू लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यू एडिस लिस्ट का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा अब इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमने टाइटल भी देना है फर्स्ट नेम देना है लास्ट नेम देना है कंपनी नेम है बहुत कुछ है हर फर्द के लिए हम इतना डाटा कंपोज नहीं कर सकते तो इसलिए हम चंद एक फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे बाकी फील्ड्स को रिमूव कर लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कस्टमाइज द कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और टाइटल को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं कि टाइटल में नहीं चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए लास्ट नेम में नहीं चाहिए यहाँ कंपनी नेम एड्रेस और उसके बाद एड्रेस टू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए सिटी दे देते हैं स्टेट फ़िलहाल यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं जिप कोड डिलीट कर लेते हैं एंड उसके बाद कंट्री रीजन भी हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं और होम फोन नंबर यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं और हमें चाहिए यहाँ पर वर्क फ़ोन नंबर और ई को भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं तो फिलहाल मैंने ये पांच फील्ड सेलेक्ट किए है ताकि आसानी के साथ हम डाटा इसके अंदर फिल करके आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवा सकूँ हम ओके पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट मैंने टाइप कर ली यहाँ पे अली रज़ा और उसके बाद कंपनी ने हम टाइप कर लेते हैं फर्स्ट लीजिए कि फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और एड्रेस लाइन हम कर लेते हैं यहाँ पर यार खान और सिटी कर लेते हैं आर वाई के और उसके बाद वर्क फोन नंबर जीरो सिक्स एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कर लेते हैं यहाँ पे या टैब का इस्तेमाल करेंगे टैब का इस्तेमाल जैसे करेंगे तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे नेम टाइप करना है जैसे मैंने तो लिखा यहाँ पे तहर अली और उसके बाद यहाँ पे हमने कंपनी नेम टाइप करना है कंपनी नेम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एड्रेस वन एड्रेस वन जो है फर्स्ट किया तहर अली हमारे पास है कराची से है और उसके बाद सिटी भी हम यहाँ पे कराची ही कर लेते हैं तो सर फर्जी एड्रेस हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं एक्स वाई जैड हम को भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर यहां पे हम टाइप कर रहे हैं यासर अली और यासर अली जो है वो एफ एफ ओ में काम कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं फ़र्ज कीजिए कि इसमें एड्रेस आर वाई के कर लेते हैं मेन मार्किट स्ट्रीट नाइन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं आर वाई के और उसके बाद एक्स वाई जैड हम यहाँ पर डाल देते हैं फिर के बाद आपने इसको ओके करना है जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपने इस लिस्ट को सेम भी अपना सेव भी करना है जैसे मैंने इसको नाम दे दिया माय एम्प्लॉय लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं यह आपकी लिस्ट सेव हो जाएगी और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है अब उसके बाद आपने लेटर राइट करना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट कीजिए ट्रू और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देते हैं एंटर प्रेस करते हैं अब उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट है उसके बाद एडिट डिसिप्लिन हमारे पास है और राइट और लेफ्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर आइटम पे मोर आइटम में हमें क्या देना है यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे और फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना है क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे फिर उसके बाद मोर आइटम पे आएंगे फिर हमने यहाँ पे कंपनी नेम सेलेक्ट करना है इंसर्ट करेंगे क्लोज करेंगे और एंटर करना है फिर हम यहाँ पे मोर आइटम पे आएंगे फिर आपने यहाँ पे एड्रेस वन देना है इंसर्ट करेंगे क्लोज करेंगे और एंटर करना है फिर यहाँ पे मोर आइटम पे आएंगे सिटी पे आएंगे इंसर्ट पे आएंगे क्लोज़ करेंगे और एंटर करना है फिर यहाँ पे लास्ट में मोर आइटम पे आना है वर्क फोन नंबर इंसर्ट क्लोज और एंटर कर लेना है अब उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी डाटा राइट करना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फर्जी लेटर यहाँ पे लिखा गया अब उसके बाद क्या करना है देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम है कंपनी नेम है एड्रेस है सिटी है फोन नंबर है ये जितने हमने वहाँ पे ऐड किए हैं लिस्ट के अंदर तीन चार लोग जितने हमारे पास थे उन सब के नामों से ये लेटर आपका प्रिंट हो जाएगा तो आपने प्रीव्यू यू लेटर पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि अली रजा का नाम और उसका सारा बायोडाटा आ गया अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पर तहर अली और उसका बायोडाटा आ गया अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यासर अली और उसका डाटा आ गया उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए जैसे हमने कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक किया तो आखिरी स्टेप में यहाँ पे एक वांड आ रही है एडिट इंडिविजुअल लेटर प्रिंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं मगर आप एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करें आर पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें तो सारे लेटर्स आपके पास इसमें आ जाएंगे जैसे वन टू एंड थ्री देखिए तमाम लोगों के नाम से ये लेटर बड़ी आसानी के साथ हमने प्रिंट करवा लिया अगर एक हज़ार लोगों का नाम होता तो एक हज़ार लोगों के नाम से ये लेटर आपका बड़ी आसानी के साथ प्रिंट हो जाना था तो ये था डे थर्टीन का लेक्चर जिसमें आप लोगों ने पढ़ा रेफरेंस टैब के बारे में और उसके बाद मेलिंग के बारे में यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाना है और मेल मर्ज का किस तरह से यूज़ करना है डे फोर्टीन में हम पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में तो सबसे पहले आपने स्पेलिंग ग्रामर चेक के बारे में हमने पढ़ना है कि स्पेलिंग ग्रामर चेक हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड टाइप किया फ़ाल्कन और उसके बाद जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ तो फ़ाल्कन की स्पेलिंग ठीक है तो इसके नीचे कोई भी लाइन वगैरह नहीं आ रही अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फाल्कन एफ ए एल के ओ एन तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है जिसका मतलब ये है कि आपकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है अगर आपके वर्ड के नीचे इस तरह से रेड कलर की लाइन आ रही तो इसके दो मतलब हैं कि एक तो ये इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड अगर है तो आपकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि वो इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है ही नहीं जो आपने स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं जैसे उर्दू का है फारसी का है हिंदी का है या सिंधी का है किसी और लैंग्वेज का वर्ड है मगर वो इंग्लिश का नहीं है उसके नीचे भी रेड कलर की लाइन आ सकती है तो हमने यहाँ पर रेड कलर वाली लाइन के वर्ड को सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर चेक पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर प्रूफिंग में आप देखिए नॉट इन डिक्शनरी केवल वर्ड डिक्शनरी में नहीं है सजेशन में फाल्कन उसके बाद फाल्कन या फ्लैकन या हम जो लिखना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये आपका रिप्लेस हो जाएगा अगर हम इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे है वैसे का वैसा ही रहेगा इग्नोर आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इग्नोर आल हो जाएगा अगर हम ऐड टू तो डिक्शनरी करेंगे तो ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा तो फिलहाल हम यहाँ पे फाल्कन पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्पेलिंग दुरुस्त हो जाते हैं इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फर्स्ट के मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस एक स्पेस दे दी दूसरी स्पेस दे दी ऑफिस मैनेजमेंट टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास मैंने जैसे ही यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट लिखा तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन आ रही है या ग्रीन कलर की आएगी या ब्लू कलर की आएगी इसका मतलब एक ग्रामर की मिस्टेक है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है स्पेलिंग ग्रामर चेक पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ओनली वन स्पेस बिटवीन वर्ड इज़ बेटर तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें और उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे सजेशन में ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है तो एक स्पेस आपकी रिमूव हो जाएगी और आपके यहाँ ग्रामर की जो मिस्टेक है वो दुरुस्त हो जाएगी और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे किसी वर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो हम वो वर्ड पेज पर राइट करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अमेश और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे अमेश का नाम तो यहाँ पे दुरुस्त है स्पेलिंग दुरुस्त है मगर क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है हिंदी का वर्ड है इसलिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन वो शुक्र हुआ रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको डिक्शनरी में ऐड कर लें आइंदा जब भी हम ये नाम लिखें तो हमारा नाम दुरुस्त दुरुस्थ लिखा जाए तो आपने सबसे पहले वो वर्ड लिखना है जिस वर्ड को आप डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहते हैं फिर उसके बाद सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग ग्रामर चेक पर आएंगे और ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे या फिर आपने उसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड टू डिक्शनरी करना है दोनों में से जो कमांड आसान लगे वो आप अप्लाई कर लें इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा अब आइंदा जब भी आपने यहाँ पे टाइप करना है हमेश तो उसके बाद ये आपका दुरुस्त लिखा जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे थिसार्स के बारे में क्या आपने अगर रेलवेंट वर्ड यहाँ पे सर्च करने हैं तो इसके लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं जिससे मैंने एक वर्ड टाइप किया यहाँ पे फैनल और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद आपने जैसे सॉर्स पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ये यह पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है तो आपने जिस वर्ड के साथ से आपने चेंज करना है आपने सबसे पहले उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है तो वो उसकी जगह पे यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्ड को फाइंड कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वर्ड काउंट के बारे में कि ओपन फाइल के अंदर आप गिनना चाहते हैं कि आपके ओपन फाइल के अंदर टोटल कितने वर्ड्स कितने लाइने कितनी पैराग्राफ कितने पेजेस हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड काउंट का यूज़ करते हैं जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे एफ़ लिखा एफ क्या है हमारे पास एक करैक्टर है एफ ए एल सी ओ एन ये एक हमारे पास क्या बना वर्ड बना अब स्पेस के बगैर ये सिक्स करेक्ट हैं और स्पेस के साथ ही हमारे पास हो जाएंगे सेवन तो फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अब ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया फिर उसके बाद आप फोर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये देखें मैं शुरू बात रिपीट कर लेता हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी ने लिखा एफोर्ट प्रेस करते हैं तो अब देखिए हमारे पास ये कंप्लीट एक पैराग्राफ बन गया अब हम काउंट करना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हैं कितनी लाइनें हैं कितने पैराग्राफ हैं कितने पेजेस हैं तो इसके लिए हमने वर्ड काउंट पे क्लिक करना है और जैसे हम वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वर्ड काउंट का ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एक पेज है उसके बाद वर्ड 153 फिफ्टी थ्री है करेक्टर नो स्पेस के साथ 1071 जीरो सेवन वन है करेक्टर विस पेज के साथ वन डबल टू फोर है पैराग्राफ वन है और लाइन हमारे पास यहाँ पे फोर्टीन है तो आप इस तरह से यहां पे वर्ड्स को काउंट करवा सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है रीड अलाउड तो अगर आप किसी भी पैराग्राफ को रीड करवाना चाहते हैं आप उसे सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे

तो इस तरह से आप यहाँ पे रीडिंग भी करवा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेट के बारे में कि आपने ट्रांसलेट का यूज़ किस तरह से करना है अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ पर इसको ट्रांसलेट भी ईज़िली कर सकते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने तहरीक को सिलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद आपने ट्रांसलेट पे क्लिक करना है उसके बाद ट्रांसलेट सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखें ट्रांसलेट सिलेक्शन के यहाँ पे राइट की तरफ एक बॉक्स ओपन हो जाएगा अब मैंने ऊपर जो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट की हुई थी वो इंग्लिश थी नीचे मैंने उर्दू सेलेक्ट की हुई थी देखें कितनी आसानी के साथ यहाँ पे ट्रांसलेट ये हो चुका है ये यह देखिए हम यहाँ पे क्लिक करके किसी भी दूसरी लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं फिर हमने क्या करना है हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यही जो ट्रांसलेट आपने किया वो डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा अगर हम किसी और लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर हमने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्ज कीजिए कि मैं लैंग्वेज जो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसमें हम टाइप कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं हिंदी लैंग्वेज तो आप देखें कि ये जो आपके पास वर्ड है ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किए हुए या अब हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएंगे ये इस तरह से तो फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यही डाटा आपका देखें हिंदी में भी आ चुका है इस तरह से हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर इसे आसानी के साथ यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं फिर इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इसमें कॉमेंट्स के बारे में कि आपने सबसे पहले यहाँ पे वो लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने कॉमेंट्स को ऐड करना है तो कॉमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि आपने कॉमेंट्स कैसे ऐड करने हैं तो यहाँ से कॉमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं जो भी कॉमेंट्स आप देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं जैसे हम लिखा प्लीज़ चेंज फाउंड स्टाइल हमने कर दी यहाँ पे और उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉमेंट्स पे जा सकते हैं प्रीवियस पे आना चाहते हैं प्रीवियस पे आ सकते हैं डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद आगे हम बात करेंगे ट्रैक चेंज के बारे में ट्रैक चेंज में हम यहाँ पे ये यह शो करवाना चाहते हैं कि अगर फ़र्ज कीजिए कि हमारी गैर मौजूदगी में कहीं से भी कोई भी चेंजिंग अगर होती है तो ट्रैक चेंज के जरिए हमें पता चल जाए कि कौन सी तब्दीली कब हुई और कितने बजकर कितने मिनट पर हुई और कहाँ पर हुई तो इसके लिए हमने ट्रैक चेंज कमांड का यूज़ करना है तो मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फर्जी डाटा हम राइट कर लेते हैं जिससे मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया टैब का इस्तेमाल किया और यहाँ मैंने लिखा अमाउंट मैंने यहाँ पे अली टाइप किया अली से मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पे लेने हैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पे राशिद टाइप, टाइप, टाइप करता हूँ राशिद से फिफ्टी थाउजेंड लेने हैं फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मोहन टाइप किया मोहन से मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ लेने हैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पे राहल टाइप करता हूँ राहल से मैंने फिफ्टीन थाउजेंड लेने हैं फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ राजेश राजेश से मैंने यहाँ पे ट्वेल्व थाउज़ेंड रुपीज़ लेने हैं अब अगर इस फाइल में मेरे गैर मौजूदगी कोई भी शख्स आकर यहाँ पे अगर एक सिफर डिलीट कर दे ये बारह हज़ार से बारह सौ बन जाएंगे और अगर यहाँ पे एक सिफ़र ऐड कर दे तो ये 1200 से 12000 बन सकते हैं और एक लाख बीस हज़ार भी ये बन सकते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में अगर कहीं पे कोई भी चेंजिंग होती है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी तब्दीली किस जगह से हुई और कितने बजकर कितने मिनट पे हुई तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रैक चेंज पे आएंगे ट्रैक चेंज पे हमने क्लिक करना है तो ट्रैक चेंज कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद आपने मार्कअप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें आल मार्कअप पे और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब भी कहीं पर भी कोई भी शख्स आकर इस फाइल को ओपन करके चेंजिंग करेगा तो वो अल्फ़ाज रेड कलर में यहाँ पे लिखे जाएंगे और उनके दरम्यान में एक लाइन सी आ जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी राइट करते हैं तो वही जो हमारे पास नंबर्स हैं वो अंडरलाइन में लिखे जाएंगे तो इसमें पता चल रहा है कि ये वाले अल्फाज ऐड हुए हैं और दूसरे वाले डिलीट हुए हैं जब कसर को हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि फाल्कन एक्सल अकेडमी के नाम की फाइल में पाँच एक दो हज़ार बाईस को पाँच बज के तेईस मिनट पर ये जो हमारे पास है फोर फाइव सिक्स वो ऐड किया गया था और उसके बाद जैसे हम कसर को यहाँ पर लेके आते थे तो तुम्हें पता चलता है कि फलां डेट को इतनी बज के इतने मिनट पर यह डबल ज़ीरो डिलीट किया गया था और उसके बाद अगर आप इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है रिजेक्ट पे आएंगे उसके बाद रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे फिर रिजेक्ट पे आएंगे रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा दुरुस्त हो जाएगा अब जैसे मैं एंटर प्रेस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया असर तो ये फिर भी रेड कलर में लिखा जा रहा है तो हम कहते हैं ये रेड कलर में ना लिखा जाए बल्कि ब्लैक में ही लिखा जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है ट्रैक चेंज को यहाँ से ऑफ़ करेंगे और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें ये आपके पास ब्लैक कलर में लिखा जा रहा है अब इस तरह से भी हम यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं मगर ये प्रोटेक्शन जैसे आपने अप्लाई की तो यहाँ पे देखें वो जो रेड कलर हमारे पास शो हो रहा था इसका मतलब है कि चेंज करने वाले को आसानी के साथ पता चल जाएगा कि जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ ये नज़र आ जानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रैक चेंज पे आते हैं जब ट्रैक चेंज अप्लाई करें तो यहाँ पे क्लिक करके इसे हम कर देंगे नो मार्कअप और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आप देखिए जैसे हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट तो हो रहा है मगर शो नहीं हो रहा कि ट्रिपल ज़ीरो डिलीट किया गया है जैसे सेवन एट नाइन हम टाइप करें तो आप देखिए यहाँ पर ये यह हमने ऐड किया है मगर पता नहीं चल रहा है कि ये यह हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है मगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आर मार्क का पेपर तो यहाँ पे ये यह शो हो जाएगा और उसके बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दुरुस्त हो जाएगा और उसके बाद ट्रैक चेंज की कमांड को ऑफ़ करेंगे और जो भी वर्ड हम यहाँ पर जो भी नई एंट्री यहाँ पर डालना चाहते हैं आसानी के साथ हम इसमें डाल सकते हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैक चिंग के बारे में जो शख्स नॉलेज रखता है वो यहाँ पर क्लिक करके इस कमांड को ऑफ़ करके चेंजिंग कर सकता है मगर हम चाहते हैं कि जब हम ट्रैक चेंज को अप्लाई करें तो कोई भी दूसरा शख्स इसके अंदर चेंज ना कर पाए तो ट्रैक चेंज को ऑन करना है ऑन करने के बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और आपने ट्रैक चेंज पे आना है ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है ट्रैक चेंज पे ताकि ट्रैक चेंज कमांड को कोई डिसेबल ना कर सके बल ना कर सके वन टू थ्री हम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं वन टू थ्री हम टाइप करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कमांड आपकी ऑफ हो चुकी है और आप देखिए यहाँ पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट की कमांड भी ऑफ हो चुकी है अब जहाँ से भी आप चेंजिंग करेंगे वहां पे चेंज तो होगा मगर ना तो ये एक्सेप्ट होगा ना ही ये रिजेक्ट होगा राइट क्लिक करने से भी कोई कमांड आपके पास यहाँ पे शो नहीं होगी तो उसको ऑफ करने के लिए हमने क्या करना है स्टॉप प्रोटेक्शन पे आएंगे वन टू थ्री पासवर्ड हम एंटर करेंगे अब इसको हम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस कमांड को ये ऑटो तो आपकी ऑफ हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम इसे पढ़ने वाले हैं कि हम इस फाइल को किसी को कॉपी करके देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो शख्स सिर्फ इसको पढ़ सके मगर इसमें कोई चेंजिंग ना कर सके तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि रीड ऑनली का पासवर्ड लगा के दे देते हैं ताकि उसको सिर्फ रीड किया जा सके उसमें एडिटिंग ना हो तो इसके लिए हमने क्या करना है रिस्टिक्ट एडिटिंग पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है इस कमांड को आपने चेक करना है फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नो चेंज रीड ओनली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एवरी वन पर हम क्लिक करेंगे यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड टाइप करते हैं वन टू थ्री और उसके बाद फिर नीचे क्लिक करते हैं फिर यहाँ पासवर्ड टाइप किया वन टू थ्री एंटर प्रेस करें अब देखिए यहाँ पर हम अगर इसको डिलीट करें तो डिलीट नहीं हो रहा कुछ लिखने की कोशिश करें तो कुछ लिखा भी नहीं जा रहा तो हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे आते हैं पासवर्ड वन टू थ्री प्रेस करते हैं अब यहाँ पे हम कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ राइट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे रीड ऑनि का पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये था डे फोर्टीन का लेक्चर जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है डे फिफ्टीन डे फिफ्टीन में हमने पढ़ना है इसमें व्यू टैब के बारे में और सबसे पहले हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में कि आपके पास वर्ड में पांच टाइप के व्यूज़ होते हैं एक होता है रीड मोड कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आप रीडिंग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह आप नहीं कर सकते सिर्फ आप यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं जैसे हम स्केप का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप उसे क्लोज करेंगे तो आप दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ जाएंगे फिर दूसरा हमारे पास जो लेआउट इसमें आ रहा है वो प्रिंट लेआउट आ रहा है 99% लोग प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं ताकि आप जो भी काम करें आपको वैसे ही नजर आए जैसा इसने प्रिंट होना होता है अगर आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं पेज नंबर अप्लाई करते हैं या उसके बाद हेड एंड फुटर अप्लाई करते हैं या कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं और तो ठीक तरह से तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेटिंग प्रिंट लेआउट पर नहीं है तो आपने प्रिंट लेआउट पर क्लिक करना है आपका ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा प्रिंट लेआउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और प्रिंट लेआउट आप नीचे यहाँ से भी टास्क बार से भी कर सकते हैं वेब लेआउट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर हम फर्श कीजिए कि, कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है या उसके बाद वेबसाइट से हमने कोई डाटा कॉपी किया है या कोई ऐसा पेज कंपोज करना चाह रहे हैं जो हम वेबसाइट पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसको डिजाइन करने के लिए आपने वेब लेआउट का यूज़ करना है आउटलाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स होंगी जो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ्स होंगे वो आपको कंप्लीट यहाँ पे नज़र आएंगे जितनी बार ने आपने एंटर प्रेस किया होगा तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया इज़ इक्वल टू राइट किया रैंड लिखा ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं तो यहाँ मेरे पास ये जितने पैराग्राफ हैं एक पैराग्राफ ये वाला है एक ये वाला है एक ये वाला है तो पैराग्राफ वाइज अगर आप व्यू देखना चाहते हैं तो आपने इस कमांड का यूज़ करना है आउटलाइन का ड्राफ्ट के अंदर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम डाटा देख सकते हैं और डाटा को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं डाटा को यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो कमांड हम यूज करते हैं वो है प्रिंट लेआउट फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें मेरे पास यहाँ पे फोकस तो फोकस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें जो एक्स्ट्रा आपके पास जितनी भी कमांड हैं चाहे वो है, 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 स्क्रोल बार है स्टेटस बार है टैब्स हैं रिबंस हैं टाइटल बार है तो वो ऑफ हो जाएंगे सिर्फ आपको डाटा ही नजर आएगा और आप इजीली इसको रीड वगैरह कर सकते हैं अपने डाटा को फोकस करके आप इसमें काम कर सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रे इम्रेसिव रीडर्स आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये सेटिंग ओपन होती है तो यहाँ पर आपने कॉलम विड सेलेक्ट करनी है कि आपने वेरी नैरो के इसमें आपने नैरो कॉलम में आपने करना है या उसके बाद आपने मॉडरेट करना है वाइड करना है या उसके बाद पेज का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसके बाद लाइन को फोकस करना चाहते हैं या थ्री लाइन को फोकस करना चाहते हैं तो आप ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं उसके बाद जैसे आप यहाँ पेउड पे तो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं उसके बाद टेक्स्ट कमांड उपास में आ रही है कि यहाँ पे अगर हम रूलर पे क्लिक करते हैं तो रूलर देखिए हमारे पास जो नजर आ रहे हैं जैसे हम क्लिक करते हैं ये आपको ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे मैं इसका जूम जरा बढ़ा लेता हूं ऐसे और उसके बाद आप रूलर पे क्लिक करते हैं तो रूलर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि आपकी तहरीर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाकर एंड हो रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रूलर को हाइड भी कर सकते हैं और उसे शो भी करवा सकते हैं आप ग्रिड लाइन को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ तक लिखा जाएगा ये आपको ग्रिड लाइन में यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ इसको ऑफ भी कर सकते हैं उसको ऑन भी कर सकते हैं नेविगेशन पैन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स है हमारे पास जिसमें हम हेडिंग फाइंड करते हैं पेजेस को फाइंड करते हैं रिजल्ट को शो करवाते हैं वो आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं और होम पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है जूम आप जूम पे क्लिक करते हैं अगर हम 200 हंड्रेड परसेंट जूम करते हैं तो पेज को हम और करीब से देख सकते हैं तहरीक का साइज और पेज का साइज जैसे है वैसे का वैसा रहेगा सब आरजी तौर पर आप पेज को तहरीक को करीब से देख रहे हैं अगर हम 100 परसेंट करेंगे तो जूम थोड़ा सा हम दूर से देख सकते हैं मगर बाकी सब कुछ जैसे वैसे का वैसा रहेगा सेवेंटी फाइव परसेंट में आप इसे और थोड़ा दूर से देख सकते हैं फिर उसके बाद पेज विथ पे क्लिक करेंगे तो पेज की मुकम्मल चौड़ाई आपको नजर आएगी अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट विथ पे क्लिक करते हैं तो मुकम्मल पैराग्राफ आपको नज़र आएगा और अगर हम यहाँ पे होल पेज पे क्लिक करते हैं तो मुकम्मल पेज आपको नज़र आएगा और इसी तरह से अगर आप मैनी पेजेस पे क्लिक करते हैं तो तमाम पेज आपको एक साथ नज़र आते हैं ये वन पेज जूम है हमारे पास ये मल्टीपल पेज जूम है हमारे पास और ये पेज विथ जूम है तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो पेज विथ जूम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बाद फिर न्यू विंडो पे आते हैं न्यू विंडो में क्या होगा कि सेम जैसे आपके पास ये वाली विंडो ओपन है वैसी एक और विंडो यहाँ पे बन जाएगी जिस तक जिसे हम कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं कि जो डाटा हमारे पास इस विंडो में होगा इस फाइल में होगा वही डाटा आपकी दूसरी फाइल में भी होगा अगर आप कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी चेंजिंग ऑटोमेटिकली आपकी होती जाएगी तो यहाँ पर न्यू विंडो पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद देखें जैसे मैंने असद के नीचे यहाँ पर टाइप कर लिया फर्श कीजिए कि फरहान और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं अमाउंट ये वाली और उसके बाद जैसे हम दूसरी फाइल पे जाते हैं ये तो वहाँ पर भी फरहान ऑटोमेटली आपका लिखा गया और इस फाइल में भी लिखा हुआ है और इस फाइल में भी यही लिखा हुआ है और उसके बाद फिर हम अरेंज ऑल पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास जो फाइलें लास्ट में एक्टिव हुएगी इन दोनों को आप अरेंज करवा सकते हैं आप व्यू साइड बाई साइड भी आप इसे कर सकते हैं देखिए आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोर ओपन है डॉक्यूमेंट फाइव है लेटर वन है उसके बाद वीडियो प्रोवाइडर फाइल है और इनमें से आप किसी एक फाइल को सेलेक्ट करें इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक फाइल आपकी लेफ्ट की तरफ आ रही है दूसरी राइट की तरफ आ रही है अगर इसके साथ आप कोई और फाइल इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें व्यू साइड पे साइड पे और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइव पे आते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइव भी यहाँ पे शो हो जाएगी आपके पास उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है रीसेट पोजिशन तो रीसेट पोजिशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे पहली पोजिशन थी वैसी की वैसी ये हो जाएगी और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है सेंचुरी स्क्रोलिंग तो स्क्रोल टू डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम कि अगर आप व्यू साइड में साइड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप इन दोनों को स्क्रॉल करना चाहते हैं जैसे हमारे पास ये फाइलें हैं एक फ़ाइल ये वाली है और एक फ़ाइल ये वाली है इन दोनों को हम स्क्रॉल करना चाहते हैं एक साथ तो आपने इस कमांड को यहाँ पे ऑन करना है इस पर क्लिक करेंगे आप क्लिक करने के बाद देखिए हम इसे स्क्रोल कर रहे हैं तो ये देखिए दोनों फाइलें एक साथ आपकी स्क्रोल हो रही हैं ये देखिए इस तरह से आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्विच विंडो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास जितनी भी फाइलें ओपन हैं वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आती हैं जैसे डॉक्यूमेंट फाइव हमारे पास ओपन है और उसके बाद फिर हम व्यू पे आते हैं फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें लेटर टू ओपन है फिर उसके बाद वीडियो प्रोवाइडर फाइल एक ओपन है हमारे पास तो यहाँ से हम इन फाइलों को बारी बारी इसमें स्विच कर सकते हैं हम एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में यहाँ से जा सकते हैं या की से कंट्रोल एफ अगर आप प्रेस करेंगे तब भी आप एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे मैक्रोज़ के बारे में सबसे अहम कमांड इस टाइप की कि अगर आप एम एस वर्ड में काम करते हैं और बार बार आपको किसी भी कंपनी का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ई मेल एड्रेस वेबसाइट बार बार टाइप करनी पड़ती है तो क्यों ना उसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ आप फरहम करदा जैसे कोई भी शॉर्ट की है उसकी को आप जैसे प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड की भी तहरी आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगी दोबारा आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं कंट्रोल ए प्रेस करके इस डाटा को डिलीट करता हूं ताकि यहां पे आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखा सकूं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम व्यू टाइप पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने मैक्रोज पे आना है और रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहां पर आप क्लिक करें बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हुए पहले से लिखे नेम को आपने रिमूव करना है उसके बाद यहां पर आपने मैक्रो को नाम देना है जैसे कि मैंने यहां पे इसको नाम दे दिया फर्श कीजिए के मेन टाइटल याद रखिएगा जब भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करेंगे तो दरमियान में आपने स्पेस नहीं देनी अगर आपका नाम दो वर्ड पे मुश्तमिल है तो आपने स्पेस नहीं देनी बगैर स्पेस के लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखना और उसके बाद फिर आपने क्या किया यहाँ पे हम कीबोर्ड पे आते हैं कीबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करते हैं आपके सामने कस्टमाइज की का ये बॉक्स ओपन होता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की के बॉक्स में आपने वो की सेलेक्ट करनी है जिस की का इस्तेमाल करके आप रिकॉर्ड की गई तहरीक को पेज पर लाना चाहेंगे जैसे मैंने कंट्रोल क्यू कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया इसे असाइन कर लिया याद रखिएगा कि वही सिलेक्ट करें जो आम तौर पर आप यूज़ नहीं करते जैसे कंट्रोल एन है कंट्रोल एस है कंट्रोल ओ कंट्रोल पी कंट्रोल सी कंट्रोल डी ये वाली कीज़ आप नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कीज़ बनी हुई है तो आपने कोई ऐसी की लेनी है जो पहले से किसी कमांड की वो शॉर्टकट नहीं है तो मैंने कंट्रोल क्यू सिलेक्ट किया असाइन पे क्लिक करते हैं और क्लोज पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास कसर के साथ एक कैसेट का निशान नज़र आ रहा है इसका मतलब है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आप जो बोल रहे हैं ये नहीं रिकॉर्ड होगा आप पेज पर जो राइट करेंगे वो रिकॉर्ड होगा जैसे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपनी वेबसाइट डब्ल्यू और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं एफ सी ए आर वाई के एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम और उसके बाद यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीरो वन टू एंड एक्स वाई जेड हम कुछ भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं तो ये डाटा मुझे अक्सर राइट करना पड़ता है तो रिकॉर्डिंग मेरी यहाँ तक हो चुकी है अब उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहता हूँ तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए या तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है नीचे मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे फिर या फिर आपने मैक्रो माइक्रोपेनर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे भी क्लिक करते हैं उसके बाद जब भी आपको इस तहरी की ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट की और की से जैसे कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो रिकॉर्ड की तहरी पेज पर आ गई दोबारा आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब जब तक आप इसे खुद डिलीट नहीं करेंगे कंट्रोल क्यू अगर प्रेस करते रहेंगे जैसे मैं कर रहा हूं तो ये तहरी आप बार बार हज़ारों बार आप लिख सकते हैं और अगर आप मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने व्यू पे आना है व्यू पे क्लिक करने के बाद मैक्रो पे आएंगे उसके बाद व्यू माइक्रोज पे क्लिक करेंगे आपने टाइटल पे क्लिक करना है जो नाम आपने दिया था और डिलीट पे क्लिक करेंगे यस करेंगे तो आपका मैक्रो डिलीट हो जाएगा आइंदा जब भी आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे कोई तहरी पेज पर नहीं आएगी और उसके बाद व्यू टैब की ये लास्ट कमांड प्रॉपर्टीज़ जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये इन्फो का जो फाइल के अंदर बॉक्स है वही ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट आपको डिटेल के बारे में पता चलता है कि आपकी फ़ाइल कब क्रिएट की गई कितने पेजेस हैं कब एडिटिंग हुई कितने मिनट पहले एडिटिंग हुई उसके बाद ऑथर कौन है ये सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप फाइल पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इनक्रैप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे हम पासवर्ड भी इसको दे सकते हैं और उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी फाइलें आपने सेव अपने जो फाइलें आपने बनाई थी जो सेव नहीं किया आपने तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी अनसेव डॉक्यूमेंट्स होती हैं आपकी वो सारी यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाती हैं और अपनी फाइल को आप सेलेक्ट करके दोबारा इसको ओपन करके सेव कर सकते हैं तो इस तरह से ये आपके काम को और भी आसान कर देगा तो ये था डे फिफ्टीन जिसमें आपने पढ़ा व्यू टैब के बारे में रिव्य ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको फाइल्स लेकर व्यू टैब तक पढ़ाया और उसमें जितनी भी अहम कमांड थी जितनी भी इम्पॉर्टेंट कमांड थी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है अगर आप इन कमांड को अच्छी तरह से पिक करते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो एम एस वर्ल्ड के अंदर किसी भी किस्म का काम बड़ी आसानी के साथ आप कर पाएंगे अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कॉम्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय